सियोजिन ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया, जनरल रिपोर्ट पब्लिश किया है, एज ए रिसर्च पब्लिश हो चुका है 27 साल का उनका एक्सपीरियंस के थ्रू दातो डॉक्टर लिम सियोजिन ने एज एक रिपोर्ट पब्लिश करके WHO ने भी उसको एग्री करके उसको आगे लेके गए। तो हम देखेंगे आज वो रिपोर्ट लास्ट में देखेंगे, तो बने रहिए पूरा प्रेजेंटेशन के अंदर। तो DXN जो बिजनेस है हम जब बात करते हैं, यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, इसका मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा बात यहाँ पे देखिए कि हम बिजनेस कभी बढ़ाते नहीं है। हमें लगता है कि मैं बिजनेस बढ़ाता हूँ, लेकिन वी डोंट बिल्ड बिजनेस, हम बिजनेस नहीं बढ़ाते हैं, हम लोगों को लेकर आगे बढ़ते हैं। You build people, you don't build business. आपको business बढ़ाना नहीं है, आपको people बढ़ाने चाहिए। And the people build the business. इसका मतलब है आपको आपका team को और अच्छा संगठन को बनाना चाहिए और सही ढंग से हमारा people को आगे लेके जाना चाहिए। ये business शिव खेरा जी को मैं हमेशा follow करता हूँ, उनके विचारों को follow करता हूँ शिव खेरा जी को, तो उनका भी हमेशा एक लाइन सेंटेंस आता है इसके अंदर कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। We don't have any problem in any business. We have no business problem. We have a people problem. मतलब अगर कोई business आगे नहीं बढ़ता है तो उसका एक main reason आता है, वो people problem में आता है। मतलब जहाँ पे people problem है, जहाँ पे people communication ठीक नहीं होता है, जहाँ पे people को proper तरीके से वो सही ढंग से अगर वहाँ पे management नहीं है, proper communication नहीं है, तो वो business की problem नहीं है साहब, वहाँ पे वो people की problem बन जाती है। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें बिजनेस को भी बढ़ाना है और आगे भी कंटिन्यूसली इसको सस्टेन रखना है, तो हमें पीपल्स को समस्या से बाहर निकलना चाहिए और पीपल प्रॉब्लम से भी हमें बाहर निकलना है और हमें पीपल को बढ़ाना चाहिए, पीपल्स डेवलप करने चाहिए, यानी हमें लोगों को आकर्षित करना चाहिए हमारे सिस्टम की तरफ, DXN की तरफ। सो प्रोडक्ट पोजिशनिंग में देखिए, इफ वी डोंट पोजिशन आवर प्रोडक्ट राइट, अगर हम सही ढंग से सही तरीके से अगर हम प्रोडक्ट को पोजिशनिंग नहीं करते हैं, सो दैट नॉट गेटिंग अ रिजल्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट को सही प्रोजिशनिंग नहीं करेंगे तो उससे हमें सही रिजल्ट, जो हमारी चाहत वाले रिजल्ट है, हमें अच्छे नहीं मिलते हैं। सही ज्ञान होता है, सही नॉलेज होता है, लेकिन तरीका भी होना चाहिए कि किस तरह से प्रोस्पेक्ट को हमें प्रेजेंट करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे मध्य में जाए, कैसे क्लोजिंग में आ जाए, ये सारी चीजें इसके अंदर जरूर आती है। हमेशा हम बात करते हैं कि कभी भी डायरेक्टली DXN, डायरेक्टली गैनोडर्मा, डायरेक्टली प्रोडक्ट की बात नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बहुत आपको आज सीखने को मिलने वाला है। Our markets को purely depend how we positioning our product. हमारा जो मार्केट का स्कोप है प्योरली डिपेंड होता है कि किस तरह से हम अपना प्रोडक्ट को पोजिशनिंग करते हैं। DXN product need to position in a such a way so that it won't be related for illness rather than wellness. DXN product need to position. अभी एक अच्छी तरीके से हम वेलनेस इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो अभी आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया भी इतना आगे बढ़ चुका है, करीब करीब हम देखते हैं कि 300, 500, 700, 1000 लोगों का एक वेबिनार के माध्यम से ट्रेनिंग हो रहा है, जो कि पिछले 2-5 महीना पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन किसी न किसी कारण से आज हम 500 से करीब लोग उसके अंदर कनेक्ट होते हैं और फिर ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये अच्छी बात हमारे लिए बनती है। तो हम सब लोग मिलकर DXN के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, हमें सही ढंग से गैनोडर्मा को पोजिशनिंग करना है। बहुत जगहों पे अभी भी बीमारी के ऊपर बात चलती है, बहुत जगहों पे लोग बात करते हैं गैनोडर्मा फॉर बीमारियों के लिए है, रोगों के लिए है, ये दवाई है, इस तरह से बात करेंगे तो हम बहुत काफी समय तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो मैं आपको एक जरूर विनंती करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि आपको एग्जैक्टली आपको समझना चाहिए कि हमारा इलनेस इंडस्ट्री क्या है और वेलनेस इंडस्ट्री क्या है। बहुत सारी बातें आज के सेशन में होंगी, ये आज पोजिशनिंग के अंदर आएगा। सेलिंग इज नथिंग बट 90% कन्विक्शन, इसका मतलब क्या है, और 10% कम्युनिकेशन ऑफ कन्विक्शन, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या आता है। अगर हम बात करें तो हम किस तरह से, मतलब यहाँ पे बता कि जब भी हम किसी से बात करते तो हमेशा देखिए कम्युनिकेशन के साथ अगर होता है, 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ कन्विक्शन, तो प्रोडक्ट को कभी भी हम सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, फोर्स सेलिंग करते हैं, हम पिच करते हैं प्रोडक्ट लोगों के सामने, उनको लगता है कि ये मेरे के माथे मार रहा है शायद प्रोडक्ट, ये इस तरह से नहीं बात होना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ कन्विक्शन मतलब वो लोग कन्विंस भी हो जाए और आपका कम्युनिकेशन के साथ वो कनेक्ट हो जाए, तो 90% जो होता है आपका आस्किंग क्वेश्चन आना चाहिए, 10% पोजिशनिंग ऑफ प्रोडक्ट होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। आप जितने ज्यादा वहां से यस निकालोगे, आप सही ढंग से स्वस्थ रहना चाहते हैं क्या, आप आने वाले समय में बीमार नहीं गिरना चाहते हैं क्या, तो हर बार वो क्या बोलेगा, आपसे कनेक्ट होगा, आपकी कम्युनिकेशन से भी कनेक्ट होगा और उसका हर बार आपको एक यस मिलना है। जितना यस मिलेगा, जितना आप हाँ बोलेंगे, सामने वाला हाँ बोलता है, उतना ज्यादा वो आपकी तरफ आता चला जाता है और आपकी प्रेजेंटेशन के एंड तक वो आपका बन जाता है। तो देखिए हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी बात करें पॉजिटिव क्वेश्चन से शुरुआत करें, अटेंशन क्वेश्चन जो शुरुआत करें, आइस ब्रेकिंग लाइन से शुरुआत करें, हमेशा अटेंशन वाली चीजों से शुरुआत करें और फिर प्रोडक्ट को पोजिशनिंग करना शुरू करें।
तो आज हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग इज अ मेन पार्ट ऑफ डीएक्सएन। जब हम डीएक्सएन में ज्वाइन होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आज जो भी मैं बताने वाला हूँ आपको फील्ड में यूज करना है, मतलब कौन सा कस्टमर सामने, किस तरह का प्रोस्पेक्ट सामने, वहां पे ये पोजिशनिंग करना है। ये मैं नया लोगों के लिए ट्रेनिंग इस तरह से मत देना, मतलब जाके किसी प्रोस्पेक्ट के घर जाके इतनी सारी जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है। प्रोस्पेक्ट को उतना ही बताना चाहिए जितना उसकी जरूरत है, जितना वो संभाल सकता है, और जब वो ज्वाइन हो जाएगा तब उसको डिटेल ट्रेनिंग की जरूरत है, वहां पे हमें प्रोडक्ट को डिटेल में जाना चाहिए। तो मेन चीज आती है, जब भी हम किसी से बात करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात करते हैं या प्रोस्पेक्ट के अंदर भी अगर लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा तीन चीजों को इवेल्युएट होता है, पीपल, प्रोडक्ट एंड प्लान। इसका मतलब क्या होता है, हम हमेशा देखिए, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हमारे पास एक प्लान है और सामने पीपल से, तो हमें करना क्या है, ये लोगों को हमारा एक ही होता है कि लोगों की कुछ ना कुछ समस्या है जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट पोजिशनिंग करोगे या फिर अपॉर्चुनिटी पोजिशनिंग करते हैं। तो सही ढंग से आपको यह समझना चाहिए पीएसपी स्ट्रेटजी। व्हाट इज मीन बाय पीएसपी स्ट्रेटजी? पीएसपी स्ट्रेटजी क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, सामने वाला प्रोडक्ट खरीदी नहीं करता है, देखिए हमेशा ध्यान में रखिए लाइन को, आपसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करता है, कोई गैनोडर्मा नहीं लेता, कोई स्पिरुलिना नहीं लेता, कोई कोकोनट ऑयल नहीं लेता है, कोई आपसे गिना गैनोडर्मा की टी नहीं लेता या चाय परचेस नहीं करता है। फिर वो क्या लेता है आपसे? वो लेता है उसके प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेता है, वो सोल्यूशन आपसे परचेस करता है। तो एज एक अच्छा डायरेक्ट सेलर के अंदर अगर आप सही ढंग से पोजिशनिंग करना चाहते हो किसी भी प्रोडक्ट की, और किसी तरीके से लोगों के मन के अंदर प्रोडक्ट को लेके जाना चाहते हो, तो हमें वो ढूंढ लेने चाहिए कि कौन सी समस्या सबसे बड़ी है, और वो समस्या के ऊपर हमें ज्यादातर बात करके लोगों को पोजिशनिंग करना चाहिए। जैसे कि अभी शुरुआत अगर मैं करता भी हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ अभी कोरोना का सिचुएशन बहुत बढ़ रहा है, पैनेडेमिक सिचुएशन है, या बीमारियां आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो सामने वाले बोलेगा हाँ यस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कोरोना, हाँ, फिर दो चार लाइनें वो भी आपसे बोलेगा, तो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन शुरू हो गया, और ये टू वे कम्युनिकेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, मतलब एक ही दूसरे के सामने एक ही लेवल पे चल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की हाँ में हाँ है। इसके साथ क्या होता है, आप एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, सामने वाला और 10 प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करेगा, और उस समय पे फिर सॉल्यूशन, मतलब अभी समस्या आ चुकी है सामने, तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम इसको रोक सकते हैं या टाल सकते हैं, अगर हमारे शहर में इस तरह का सिचुएशन आ भी जाए तो भी हम सर्वाइव कर सकते हैं और आने वाले समय अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये सवाल पूछे बोलेगा नहीं आ रहा, ऐसा क्या कर सकते हैं, अभी हम घर में रह सकते हैं, लॉकडाउन, कुछ ना कुछ बताएगा, मास्क यूज करना चाहिए, फिर बोलना सिर्फ उतना पर्याप्त नहीं है, हमें आगे जाके हमारे लिए हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, और वो है हमारा प्रॉपर, फिर आप कर सकते गैनोडर्मा है, वो स्पाइरुलिना हो सकता है या वर्जिन कोकोनट ऑयल हो सकता है। तो देखा मैंने क्या किया, पीपीएसपी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया, पीएसपी यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। पहले प्रॉब्लम सामने आ जाएगा, दोनों बात करेंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चलेगा, दोनों एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, और फिर कुछ ना सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो ये हो जाता है एक फ्लुएंटली निकल जाता है, जैसे कि आपने कुछ बेचा नहीं, वहां पे जाके बातें करते करते वहां पे बात करी। जैसे अभी एसिडिटी की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो सामने वाला हाँ अभी बहुत सारे लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं, आजकल हमें अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, तो हम बातें कर रहे हैं, तो अगर उसको पता है अल्कलाइन क्या है तो वो भी बात करेगा हाँ यस खाना चाहिए, अगर नहीं पता तो पूछेगा आपको अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, तो धीरे धीरे भी बताएंगे आपकी अल्कलाइन ये होता है, एसिडिक ये होता है, हम कम से कम गैनोडर्मा का टी जरूर लेना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा गैनोडर्मा का टी लेता हूँ। देखो इस तरह से आप बात करते हैं तो सामने वाला कन्विंस भी हो जाता है, आपसे कम्युनिकेशन के साथ भी कनेक्ट हो जाता है और वो क्लोजिंग के अंदर भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, बी अ गुड कंसल्टेंट सर, एक सिंपल लाइन है यहाँ पे अंदर, आप अगर सही ढंग से बता रहे हो तो एक अच्छा कंसल्टेंट बन के जाओ। सेल्समैन और कंसल्टेंट में डिफरेंस है, सेल्समैन हमेशा देखिए वो टर बातें करते रहेगा, कोई सवाल उसके सामने नहीं होता है, उसको एक ही बताया होता है, वो एक स्क्रिप्ट होती है और वो स्क्रिप्ट को पूरा एंड तक कंप्लीट करता है और फिर कुछ सवाल पूछेगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंसल्टेंट का मतलब क्या है, कंसल्टेंट का मतलब होता है वो एग्जैक्टली आपसे कुछ ना कुछ चीजों को शेयर करता है, फिर आपसे भी कुछ बुलवाता है, कुछ सवाल भी पूछेगा, कुछ समस्या के बारे में बात करेगा और आपकी सबसे बड़ी समस्या का उसके पास समाधान होता है, वही होता है कंसल्टेंट। एक अच्छा डॉक्टर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन एक डॉक्टर अच्छा कंसल्टेंट बन जाए तो वो सक्सेसफुल हो सकता है, एक लॉयर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अगर अच्छा लॉयर सही ढंग से कंसल्ट करे लोगों को, कंसल्टेंट बने किसी का, तो सक्सेसफुल हो सकता है किसी भी प्रोफेशन में जाओ ना। तो डीएक्सएन इंडस्ट्री के अंदर भी अगर हम जा रहे हैं तो हमें भी एक अच्छा कंसल्टेंट बनना जरूरी है, हमें कभी भी बात करें तो हम लोगों को अच्छी तरह से कम्युनिकेट करें, कंसल्ट करें और कोचिंग करें। इसके साथ अगर बात किया जाए
तो हमें कभी भी हमारे किसी भी पास जाते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ पास भी जाकर बैठते तो डायरेक्टली वहां पे जाने के बाद सारे डिस्ट्रीब्यूटर को यह अनुरोध कर रहा, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के बाद डायरेक्टली मेरे पास गैनोडर्मा का चाय है, गैनोडर्मा का पेस्ट है, या फिर मेरे पास गैनोडर्मा है, मेरे पास स्पाइरुलिना है, ऐसी बातें प्लीज मत किया करो। वही ऑलरेडी मार्केट ऑलरेडी बहुत कई कंपनी ने बदनाम किया है, ऑलरेडी कई सारी कंपनियां वो लोग बहुत सारा खराब काम कर चुकी है पहले, और ये एंडू पांडू धोंडू कंपनी आकर चली गई तो कुछ लोगों को मार्केटिंग लगता है, तो आप भी उसी तरह से बात करोगे तो फायदा नहीं। जैसे बोल सकते हैं आजकल खाने में बहुत जहर आ रहा है, तो देखो ये बात करने से क्या हो रहा है, सामने वाला बोलेगा हाँ यस मैंने भी कल टीवी में देखा कि प्लास्टिक का अंडा मैंने देखा, माय गॉड मुझे तो शॉक लगा, या फिर कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगा। इस तरह से हमेशा आपको बात करना चाहिए कि खाने में जहर आ रहा है, क्या कर सकते हैं, फिर टॉक्सिन बहुत ज्यादा शरीर के अंदर बढ़ रहे हैं, यानी विषैले तत्व बढ़ रहे हैं जिसके कारण शरीर में अनगिनत हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं, इवन कैंसर तक। तो ये सारे प्रॉब्लम का मेन जड़ क्या है, टॉक्सिन, तो उसको हमें हटाना चाहिए, तो हमारे लिए पास क्या है, फिर आता है गैनोडर्मा। देखिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसल्ट बने। जैसे मैंने स्पाइरुला बात करना है, सर एक्चुअली अगर हमें हेल्दी रहना है ना, अभी किसी भी दोस्त से मित्र अगर मुझे हेल्दी रहना है, तुम्हें अगर स्वस्थ रहना है, ये जो अभी सिचुएशन इतना खराब हो रहा है, तो अगर इस सिचुएशन के अंदर भी हमें स्वस्थ महसूस करना और अच्छा जीवन जीना है तो हमें सही फूड खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई खाना है जो पूरा सही है, या फिर हम पूछ सकते हैं आजकल, देखो हमेशा आजकल बोलना, आजकल हमेशा मतलब क्या होता है, आप सिर्फ क्या आजकल बोलते इसका मतलब क्या हो रहा है, आप सबको लेके बात कर रहे हो, एवरीबॉडी, आजकल सभी लोग जो खाना खा रहे हैं वो खाने के अंदर आजकल कुछ भी पोषक तत्व नहीं रहे है। तो आपने क्या किया, पूरे क्रोम को मतलब पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया, आपका बाजू का पूरा परिस्थिति को कनेक्ट कर दिया, अब वो आपसे ना बोल ही नहीं सकता। आपने बोला आजकल खाने के अंदर, आज जो भी लोग खाना खा रहे हैं, हम ज्यादातर लोग खाना खा रहे हैं, वो खाना खाने के अंदर उसमें कुछ भी पोषक तत्व मिलते नहीं है, वो खाना तो खा रहे हैं उससे पेट भरता है लेकिन शरीर की पोषण की कमी पूरी होती नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम। माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए तो ना, तो फिर आप डिटेल, तो भी वो सामने वाला बोलेगा हाँ आजकल खाने में जहर है, टॉक्सिन है, या फिर वो हाइब्रिड खाना हो चुका है, तो बहुत सारे खाने के अंदर वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी वो कम हो चुकी है, तो क्या कर सकते हैं, तो फिर सब्स्टिट्यूट आ जाता है स्पिरुलिना। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा इस साइलेंट स्लाइड के ऊपर आपका समय ले रहा हूं, आप जरूर इस चीज को सीखिए। चलिए अभी आगे देख रहे हैं हम लर्निंग डीएक्सएन प्रोडक्ट, लर्निंग द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या है, हमें आज सीखना है कि हमारा प्रोडक्ट एक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, आम किसी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होता ही नहीं है, ऑलरेडी तो यूनिक है, फिर भी आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के साथ मतलब फिर भी आपको दोनों में क्या बदलाव है, दोनों में क्या अंतर है, एक स्ट्रेटजी के साथ बात करने को आना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कई बार सामने वाला बोलता है अच्छा गैनोडर्मा तो ये मैंने गूगल में देखा था, एक बॉटल के ऊपर भी गैनोडर्मा लिखा तो मैं लेना चाहता हूं, या फिर कोई बोलेगा एक सवाई जेड कंपनी का बंदा मुझे भी मिला था उसके पास भी गैनोडर्मा है, तो व्हाई आवर गैनोडर्मा इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अच्छा गैनोडर्मा हमारे पास क्यों है, दुनिया की सबसे अच्छा गैनोडर्मा या स्पाइरुलिना या कॉर्डिसेप क्यों अच्छा हमारे पास है, इसको हमें डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के साथ बात करना चाहिए। लर्निंग द स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे अभी ट्रेनिंग के अंदर जब भी हम आते हैं प्रोडक्ट को पोजीशन के अंदर, तो हमें स्पेशल फीचर्स को समझना भी चाहिए, एग्जैक्टली क्या क्या स्पेशल फीचर हमारे प्रोडक्ट के अंदर है। लर्निंग अबाउट द फूड थेरीज रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट, सही फूड थेरीज है, जैसे कि हम प्रोडक्ट, जैसे ही मैंने बात किया था कि हमने कभी भी बात करना है तो एक थेरीज के साथ बात कर दे तो सामने वाला अटेंशन भी आ जाएगा और सुनने में भी, आप प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, जैसे एसिड अल्कलाइन एक प्रॉब्लम है, समस्या है लोगों की, आम जीवन की समस्या है कि हमें एसिड फूड खाना पड़ रहा है, लेकिन फिर अल्कलाइन थेरी आ जाता है, फिर डिटॉक्सिफिकेशन थेरी आएगा, तो सामने हम देखेंगे। लर्निंग अबाउट द प्रोडक्ट पोजिशनिंग विद वेलबींग, यानी वेलनेस के साथ हमेशा कनेक्ट रहिए, आप हमेशा वेलनेस की बातें करिए, इसी के पास जाओगे तो सिर्फ एक बीमारी के लिए प्रोडक्ट देकर कभी भी कृपया मत आना है, उसके साथ हमेशा बात करना है कि आने वाले समय में आपको स्वस्थ सुरक्षित और ज्यादा जिंदा जीने, अच्छा जवान जीने में, यूथफुल लाइफ जीने में आपको यह मदद करेगा, तो जो वेलनेस वाली चीजें हमेशा उसके साथ कनेक्ट करके रहिए, उससे क्या होता है सामने वाले के दिमाग में एक तो कम से कम ये जाता है, स्टोर हो जाता है मैसेज, ये सिर्फ मेरी आज की या किसी बीमारी की जरूरत नहीं बल्कि मेरे जीवन की जरूरत बन जाती है, इसको वेलनेस या वेलबींग कहते हैं, तो हमारा बिजनेस भी सस्टेन होने में मदद करेगा। हम कभी भी 3 महीना 6 महीना खाके देखो ये आपकी बीमारी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये डायबिटीज के लिए तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, इस तरह से बातें करने से कि आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, आने वाले समय में आपको डायबिटीज में भी राहत मिलेगी लेकिन इस बीमारी के साथ आपको आने वाले समय में अनगिनत प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, उससे आपको बचाए रखने में ये मदद करेगा। तो मैंने क्या किया, लाइफ टाइम की बात करी इनके साथ,
राइट, आने वाले समय में आंखों खराब होना, किडनियों को खराब होना, जिंदगी में कभी भी डायबिटीज की वजह से कोई टांग कटी जाती है तो बहुत सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं। तो हमें वेलनेस के साथ कनेक्ट होना है, फिर बोलना है लाइफ टाइम सुरक्षित रहना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट हमें खाना चाहिए। लर्निंग द स्किल टू यूज प्रोडक्ट नॉलेज टू क्रिएट अ डिमांड, योर प्रोडक्ट नॉलेज को सही तरीके से हमें यूज करके डिमांड को क्रिएट करना है, सामने वाले की डिमांड को तैयार करना है। कुछ इनविजिबल होती है, कुछ विजिबल होते हैं, तो हमें तैयारी करना है, हमें पहले ही प्रिपेयर रहना है कि वो आप जब भी बात करोगे तो सामने वाले की नीड उजागर हो जाए, उसकी कुछ भी इच्छाएं होती है उसको जरूरत में परिवर्तित करना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएक्सएन प्रोडक्ट, हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट में एक्जेक्टली क्या डिफरेंस है, डिफरेंशिएशन में क्या एक्जेक्टली डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। तो हमेशा एक दो चीजें आती है डीएक्सएन के अंदर, हम जब भी बात करें तो कंज्यूमर के पास जाते तो कंज्यूमर दो तरह के होते हैं। तो दो कैटेगरी कौन सी है, कुछ जो कंज्यूमर होते हैं वो क्वालिटी के साथ कनेक्ट होते हैं, वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहते, वो बोलेंगे आजकल केमिकल है, भेसड़ है, मिलावट है, मैं कोई अच्छी चीज ही खाना पसंद करूंगा, मैं अच्छा चीज ही पीना पसंद करूंगा, मैं चाय या कॉफी पीऊंगा तो सेहत वाली पीना पसंद, तो क्वालिटी के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्राइस के साथ भी कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज आती है कि हमें दो तरह का कंज्यूमर वर्ग मिलने वाला है, एक वर्ग होगा जो प्राइस के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव करेगा और एक वर्ग होगा जो आपको क्वालिटी के साथ ऑब्जेक्टिव करेगा। तो हमें ध्यान देना है, इवैल्यूएट करना है और सही ढंग से आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे आपको किस तरह से पोजिशनिंग करनी चाहिए। यहाँ पे स्पेशल फीचर्स के अंदर अगर देखा जाए, डिफ्रेंशिएशन ये भी इसके अंदर आता है कि हमारा जो मेन फेशियल फीचर है, डीएक्सएन वन टोटल कंपनी है जो कि वन ड्रैगन कंसेप्ट को अपनाती है, यानी खेती से लेके डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ चीजें खुद का कंपनी का है। वन टोटल का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड है, यूनिक प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, यूनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है यूनिक है, मतलब किसी के पास ये शायद हो ही नहीं सकता ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो यूनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, अच्छी तरीके से होलिस्टिक हेल्थ एडवाइजर है जैसे कि पूरी तरह से साइंटिस्ट है, और हमारे लिए एक अच्छी तरीके से एक मानव से भी महान व्यक्ति मतलब जिन्होंने पूरा अभ्यास और स्टडी करके इस प्रोडक्ट को सही तरीके से बनाया है, यूनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है अपना, जो कि फास्ट मूवी होता है और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, और ट्रेंड सेटिंग प्रोडक्ट है, मतलब एक ट्रेंड सेट कर देगा। अगर एक बार कॉर्डिसेप किसी गाँव में अपनी इंट्रोड्यूस किया और कॉर्डिसेप के महत्व समझा दिए, स्पाइसी टी के महत्व समझा दिए, यानी किसी प्रोडक्ट के स्पाइरुला का अपने अच्छी तरह से इंपॉर्टेंस ही बता दिया, तो एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि सभी लोग कंटिन्यू खाना शुरू करेंगे। आप कंज्यूमर का बेस बनाकर अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर का बेस बनाना शुरू कर दीजिए। तो वन टोटल कंपनी जो कि कल्टीवेशन भी खुद का होना, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद का होना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाते, इसकी वजह से डीएक्सएन क्वालिटी के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए। कंट्रोल करते हैं हम क्वालिटी को, कंट्रोल करते हैं हम कॉस्ट को, खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, खुद का प्रोडक्शन डेवलपमेंट होता है, इसकी वजह से हम बहुत सारा पैसा बाहर जाने से, थर्ड पार्टी के हाथ में जाने से रोक सकते हैं, राइट। ये हमारे हाथ में रहता है, इसका जो बेनिफिट है, मेन बेनिफिट होता है वो पे आउट जो बोनस है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बीएमपी भी हम 40% हम बचत करें और 60% हमारा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट आउटलेट सेविंग और बोनस मतलब हमारा डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो हमारे लिए मेन फायदा होता है कि हम थर्ड पार्टी को कनेक्ट नहीं कर रहे, तो अच्छी बात है। हम हमेशा इस तरह से बात कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट को लोग जब कनेक्ट होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग भी देखिए और उसके ऊपर मार्केटेड भी कौन है। कई सारी कंपनियां मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग अलग दिखेगा, मार्केटेड बाय अलग दिखेगा, यही पे है वहां पे इवैल्यूएट होता है कि उसका खुद का ही नहीं है वो क्या कॉन्फिडेंस से बात करेगा, जो उसका खुद का नहीं है वो क्या बताएगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो खुद का होना, दोनों के ऊपर एक ही टैग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 80-90% प्रोडक्ट अभी इंडिया के अंदर हमारे खुद के प्रोडक्ट आ रहे हैं, आ चुके हैं, राइट। तो ये अच्छी चीज हमारे सामने है। यूनिक प्रोडक्शन फैसिलिटी है, यूनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर टिश्यू कल्चर टेक्निक जो कि बहुत ही वास्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि इसके अंदर ऊती संवर्धन एक सेल से, एक कोशिका से हजारों की तादाद में बना देना, यानी फिर उसके फायदे बहुत अच्छे मिलते हैं कि सेम टू सेम जो है उसका जो जेनेरिक वैल्यू होती है वो सेम टू सेम परिवर्तित होगी हमारे हर गैनोड्रोमा के अंदर, सभी गैनोड्रोमा एक जैसा बनने के लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्गेनिक कल्टिवेशन इसलिए इस्तेमाल कर दे ताकि हार्मफुल ना बने, कितना भी खाए कुछ भी नुकसान ना हो। फिर कोल्ड प्रोसेसिंग टेक्निक, फाइबर सेपरेशन, माइक्रो पाउडराइजेशन, अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट, हर एक का एक 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 बहुत अच्छा फायदा है। कोल्ड प्रोसेसिंग इसलिए किया जाता है हम कि जहां पे इन कोल्ड प्रोसेसिंग मतलब क्या है कि गैनोड्रोमा को सुखाना है, तो कोई कंपनी ऐसा भी सोचती है कि मैं इसको हॉट चेंबर में डाल देता हूँ, हॉट चेंबर से पास आउट करेंगे और जिसको गर्मी के कारण इसका पानी सूख जाएगा और बाहर में हमें सूखा हुआ गैनोड्रोमा मिलेगा। कर सकते थे, करने वाले भी बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या होगा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू था वो ज्यादा हॉट वजह से, गर्म के चेंबर से जाने की वजह से उसमें से न्यूट्रिशनल वैल्यू नष्ट हो जाएगा। तो फायदा क्या हुआ ना, वो फिर हमारे हाथ में जो आया वो लाइफ में फाइबर ही आ जाएगा।
तो हमेशा ध्यान में रखिए कि इसको डायग्नोडर्मा जो डीएक्सएन जो स्पेशली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है वो कोल्ड प्रोसेसिंग है, फ्रीज ड्राइंग मेथड भी बोलते हैं, यानी माइनस डिग्री टेम्परेचर में कुछ चेम्बर्स बनाए जाते हैं और गैनोडर्मा को माइनस डिग्री टेम्परेचर से पास ऑन किया जाता है। जैसे वो माइनस डिग्री टेम्परेचर से बाहर निकलता है तो पूरी तरह से उसमें से पानी को एब्जॉर्ब करके उसको पूरा कोल्ड और पूरी तरह से ड्राई गैनो बनाने में सपोर्ट करेगा। फाइबर सेपरेशन का क्या जरूरत है? अगर डॉक्टर लिम चाहते थे तो एक एक कैप्सूल के अंदर पूरा पाउडर बनाकर भेज सकते थे, लेकिन डॉक्टर लिम को पता है फाइबर तो किसी भी चीज में मिल जाएगा हमारे लोगों को। जैसे कि अगर मैं एप्पल खा रहा हूँ, एप्पल का छिलका है फाइबर दे देगा, मैं मूंगफलियां खा रहा हूँ तो मूंगफली के साथ मुझे फाइबर जा रहा है, मैं बहुत सारे फूड खा रहा हूँ उसके साथ मुझे फाइबर मिलता है, ये फाइबर का जरूरत नहीं है शरीर में। तो गैनोडर्मा को क्या कर रही है, अच्छी तरीके से क्वालिटी गैनोडर्मा ले रहे हैं, आरजीजीएल ले रहे हैं ना, तो उसको फाइबर सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा है कि जिसके अंदर डॉक्टर लिम ने इसको कॉन्सेंट्रेशन मेथड यूज किया है ताकि उसका जो सही मूल्य है, सही जो औषधि गुण है, वही वो कैप्सूल के अंदर रहे, जो अनवांटेड चीजें उसको निकाला जाए। तो फाइबर यानी मुलामा होता है, ऊपर का जो लेयर देखते हैं ना आप, जो चमक वाला लेयर रहता है वो फाइबर होते हैं पूरे, तो उसको काटा कर जो एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल क्वांटिटी है वही हमारे कैप्सूल के अंदर आती है। और उसको भी माइक्रो पाउडराइजेशन करने का एक रीजन होता है। माइक्रो मतलब क्या होता है, ये पूरा माइक्रो एक अच्छी तरीके से इतना माइक्रो लेवल पे लिखे जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जब गैनोडर्मा पहुंच जाएगा तो हमारे एक एंड सेल लेवल तक भी हमारे पहुंच जाता है। टिश्यू कल्चर इंश्योर द जेनेरिक वैल्यू, देखिए यहाँ सामने आ चुका है स्लाइड। जेनेरिक वैल्यू का मतलब था जो अनुवांशिक गुण होते हैं पहले से ही ऑलरेडी गुण उसके अंदर थे, उस गुणों को एग्जैक्टली एज इट इज रखेगा और हर गैनोडर्मा में सेम हमें वही चीज मिलेगा। इसके लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक है। ऑर्गेनिक कल्टिवेशन इसलिए इंश्योर द नेचुरल वैल्यू ऑफ गैनोडर्मा, मतलब जो गैनोडर्मा का नेचुरल वैल्यू है, जो नेचुरल वैल्यू मतलब क्या था, उसके अंदर जब भी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे कि गैनोडर्मा पॉलीसेक्राइड ऑर्गेनिक जर्मेनियम, जो भी गैनोडर्मा के न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको अगर हम केमिकल के साथ बढ़ाएंगे तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो जब हम ऑर्गेनिक कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हम नेचुरल वैल्यूज को भी हम इंश्योर कर सकते हैं, हमें इसको बचा सकते हैं। कोल्ड प्रोसेसिंग अवॉइड हीट ट्रीटमेंट, यानी हाई ट्रीटमेंट में जो हमारे प्रॉपर्टीज न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं वो नष्ट होने से हम बचा सकते हैं। फाइबर सेपरेशन इंश्योर आवर हाई कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। स्पोर पाउडरेशन इंश्योर हाई न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन रेट, हर सेल तक पहुंचाने में मदद करेगा। अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट रिमूव द मॉइस्चर, मतलब अभी थोड़ा सा भी अंदर उसका मॉइस्चर या कुछ बैक्टीरिया अगर बीच में रह भी जो रहेगा होगा तो उसको अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट से नष्ट किया जाता है। तो ये हम देख रहे हैं यूनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के कारण डीएक्सएन का गैनोडर्मा दुनिया के किसी भी गैनोडर्मा से अलग बन जाता है। और ये अलग इसलिए बन जाता है, इसीलिए वर्ल्ड के 200 से भी ज्यादा कंट्रीज ने गैनोडर्मा डीएक्सएन का अपनाया। कुछ कंपनियां मार्केट में आई और चली भी गई। सिंगापुर में गैनोडर्मा को बाद में कुछ समय के लिए बैन भी किया गया था, कई कंपनी के बैन भी किए गए थे कि गैनोडर्मा भी खाया लेकिन लोगों की किडनियां फेल होने लगी। कुछ लीटर रिपोर्ट मिलते हैं, फिर हमें कुछ लोग फोन करते हैं, सर मैंने गैनोडर्मा का ऐसा साइड इफेक्ट सुना था, फिर आपका क्या है? तो हमें बताना समझना आना चाहिए। कुछ लोग पढ़कर पूछ लेते हैं, हाँ इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है क्या? तो आपको सही ढंग से बात करना चाहिए उस समय पे, क्योंकि कुछ अलग अलग कंपनियों ने उसको ट्राई किया था लेकिन उनको वो एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचाना आया नहीं, और यही काम डीएक्सएन ने करके दिखाया। अब यहां तक हम डीएक्सएन ने अच्छा काम किया, इससे आगे हमारा जिम्मेदारी बनता है हाउ टू क्रिएट द डिमांड लोगों में गैनोडर्मा की या प्रोडक्ट की, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी डिमांड क्रिएट करना इंपॉर्टेंट होती है चीज। तो क्रिएटिंग डिमांड इज हमारा फैक्टर, ये डीएक्सएन कंपनी का फैक्टर नहीं है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का रिलेशन बन जाता है कि मुझे इसकी डिमांड क्रिएट करनी चाहिए। तो इंक्रीज द बोनस, मतलब क्यों करना है मुझे क्रिएट डिमांड, डिमांड इसलिए क्रिएट करना है कि मुझे मेरा बिजनेस वॉल्यूम को बनाना है अच्छी तरीके से, मुझे मेरा बोनस को अच्छी तरीके से बनाना है। मेरा सेल जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा पीवी आएगा, जितना ज्यादा पीवी आएगा उतना ज्यादा बोनस बढ़ेगा, राइट? तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट, टू इंक्रीज द सेल क्रिएटिंग डिमांड, टू इंक्रीज द प्रोडक्ट नॉलेज, मतलब क्रिएट डिमांड इसलिए हमें करनी चाहिए कि हमें क्रिएट डिमांड अगर करना है, डिमांड अगर करना है तो हमें प्रोडक्ट नॉलेज जरूरत, जितनी जरूरत है उतना तो होना ही चाहिए ताकि हम सामने वाले की सही ढंग से मदद कर सके। टू प्रोवाइड प्रोडक्ट नॉलेज फूड थ्योरीज नीड टू बी अंडरस्टैंड, मतलब क्या है, कभी भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत करना। दातो डॉक्टर लिम सीओ जो इनका भी टेक्नोलॉजी वही है, जब भी बात करते उनका कम्युनिकेशन जब भी सुनेंगे आप, जब भी उनसे बात करके देखना, वो प्रोडक्ट पिच नहीं करेंगे लेकिन कुछ थ्योरीज जरूर बताएंगे। तो आज हम देखेंगे वो कई सारी चीजें जिससे हम लोगों को सही तरीके से इन प्रोडक्ट को पोजीशनिंग कर सकते हैं। मेन चीज आती है जब भी लोगों के सामने हेल्थ और स्वास्थ्य को अच्छा रखने का सवाल सामने आ जाता है तो दो तरह के अप्रोच आते हैं। एक अप्रोच दुनिया के सभी लोगों को पता है, दूसरा अप्रोच है शायद अभी कुछ लोगों को पता हो रहा है।
एक अप्रोच जो दुनिया के सभी लोगों को पता है वो है कन्वेंशनल मेडिसिन अप्रोच, यानी आधुनिक जो भी मॉडर्न मेडिकल मेडिसिन साइंस है वो है कन्वेंशनल, और फिर नेचुरल और फूड के अंदर हम जा रहे हैं, और जो आज जो बताएंगे वो गैनोडर्मा का अप्रोच है, वो हमारा इस साइड में दिख रहा है आपको। एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? तो जब भी हम बात करते हैं हमारा जो अप्रोच होता है वो होलिस्टिक होता है। होलिस्टिक का मतलब क्या है? मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ लोगों को, अभी ये सवाल पूछने की आदत बनाइए, सर आपके लिए आपकी वो हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है? तो देखो ये एक क्वेश्चन है लेकिन आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन है, तो सामने वाला जवाब देगा कि नहीं मेरे लिए तो पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो भाग होते हैं महाभाग होते हैं, कुछ लोग वो तो डायरेक्टली बोलते हैं नहीं मेरे लिए डायबिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे भी आपका सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए, अच्छा ठीक है सर डायबिटीज तो आपका अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे आप, अच्छा ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर किडनी खराब हो जाएगी तो चलेगा क्या? नहीं भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा ठीक है किडनी और हार्ट अच्छा रहेगा, किडनी और डायबिटीज अच्छा रहेगा, हृदय विकार का अटैक आएगा तो चलेगा ना, एक आंख खराब हो जाएगी तो चलेगा क्या सर? ऐसे मैं सवाल पूछता लोगों को, इससे सामने वाला कनेक्ट हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि सामने वाला जो बंदा बोल रहा है वो होलिस्टिक वे से बात कर रहा है, वो मेरे पूरे शरीर की बात कर रहा है, मेरे सर से लेकर पांव तक। तो ये अप्रोच कहाँ मिलता है? हमें गैनोडर्मा के अंदर मिलता है, और यही अप्रोच दातो डॉक्टर लियम सियोजी ने अभी मार्केट में पूरा पब्लिश के साथ रिसर्च रिपोर्ट्स के साथ पूरी दुनिया के सामने फैला दिया है। हम उस रिसर्च रिपोर्ट्स को पूरे लोगों तक लेके जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका कुछ भी लिटरेचर या इंटरनेट के ऊपर कोई रिसर्च पेपर है क्या? अब डॉक्टर्स को अप्रोच करने के लिए वो पर्याप्त ज्ञान हमारे पास है और सही ढंग से हम उसको पोजिशनिंग कर सकते हैं। जरूर मैं बताऊंगा आपको, होलिस्टिक जस्ट इंपॉर्टेंट है, सेगमेंटल का मतलब होता है पार्ट वाइज या सिम्टम वाइज या ऑर्गन वाइज। सेगमेंटल मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बन जाता है, बट जाता है। जैसे कि मैं डायबिटीज के लिए दवा लेता हूँ, मेडिसिन लेता हूँ, वो ब्लड प्रेशर पे कभी नहीं काम कर सकती। ब्लड प्रेशर की दवा हमारी ब्रेन के रिलेटेड कभी नहीं काम कर सकती। बल्कि सेगमेंटल का मतलब होता है जितने सारे लक्षण है, हजारों लक्षण आते हैं लोगों को, नींद नहीं आ रही दवा अलग मिलेगी, एसिडिटी हो रही है दवा अलग मिलेगी, किसी को डिसेंट्री हो रहा है दवा अलग मिलेगी, राइट, किसी को कुछ सर दर्द है दवा अलग है, घुटने का दर्द है और दर्द ही थे ना, तो सर दर्द की दवा अलग है, घुटने के दर्द की दवा अलग है, तो सेगमेंटल बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ सिम्टम को दबाया जाता है। तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं सर आप लक्षणों को दबाना चाहते हो या पूर्ण रूप से शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हो? तो सामने वाला जरूर जवाब देगा पूर्ण रूप से शरीर स्वस्थ बनाना चाहिए। सिम्टम दबाने के लिए कि तो आपको मेडिसिन लेते रहते हो, उसके साथ जरूर इसको यूज करें। अब फोकस क्या है, जब भी बात करते तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें सर। वी आर नॉट डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं है और ना ही हमारा प्रोडक्ट कोई दवाई है, तो हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए स्वास्थ्य के ऊपर होना चाहिए, ना कि डिसीज ओरिएंटेड होना, रोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। मेथड जो है वो प्रिवेंशन का आपका होना चाहिए, बात करते हो क्योर का नहीं होना चाहिए। क्योर का मतलब क्या होता है, हम किसी को रोग ठीक होने की बात करेंगे तो वी आर हम क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, हम डॉक्टर जैसी बात कर रहे हैं, तो सामने वाला कभी भी आपके साथ जुड़ेगा नहीं, या फिर जुड़ भी जाएगा तो ज्यादा समय तक काम नहीं करेगा, क्योंकि आप रोग दुरुस्त करने की भाषा कर रहे हो, लोगों को बोल रहे हो कि डायबिटीज पूर्ण रूप से मैं ठीक करके दूंगा। अरे ब्लड प्रेशर तो हुआ है ना आपको, क्या चिंता कर रहे हो, आने वाले 3 महीने में आपका ब्लड प्रेशर मैं यूं चला दूंगा, ये पूरा ठीक हो जाएगा। क्या डॉक्टर करते हैं, कुछ जमाने में 10-12 साल पहले हम इस तरह से बात करते थे, लेकिन हमें भी पता चला कि ये गलत तरीका है, तो हमने इसको पूरी तरह से कनेक्ट किया है प्रिवेंशन के ऊपर। आप भी उसी तरह से बात करिए कि सर देखिए ये रोग तो ठीक होने वाले नहीं है, लेकिन इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है और इसकी वजह से आपको अनगिनत जो प्रॉब्लम है उससे आप रोक सकते हैं। ऑलरेडी सभी डॉक्टर ने उसको बोला डायबिटीज जन्म भर रहेगा, अब उसका इंसुलिन कम हो जाए तो वो पूरी तरह से ढिंडोरा पीट के बता देगा कि मेरा इंसुलिन कम हो गया, मेरा इंसुलिन कम हो गया, लेकिन आपने पहले ही बताया मैं तेरा डायबिटीज ठीक कर दूंगा, तो जिंदगी भर आपको उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ेंगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, पूरी तरह से बता रहा हूँ ठीक से, आपको प्रिवेंशन के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। सप्लीमेंट है हमारा प्रोडक्ट, कोई ड्रग या कोई दवाई नहीं है। सप्लीमेंट का मतलब होता है जो शरीर में जो एक जरूरत होती है लेकिन उसकी कमी बन जाती है, शरीर की जरूरत है लेकिन एक कमी पड़ जाती है कि इसकी जरूरत है लेकिन शरीर मिलता ही नहीं है, तो है मतलब बाहर शरीर के लिए हमारे लिए जरूरत है लेकिन मिलता नहीं है, तो वो हमारा गैनोडर्मा सप्लीमेंट बन जाता है। ड्रग का मतलब क्या होता है, वो दवाइयां है, ड्रग है, मेडिसिन है, वो हमारे कई सारी साइड इफेक्ट को भी लेकर आ सकते हैं। और देखिए गोल भी हमें लाइफ टाइम बता रहा है जी, हम करेक्शन नहीं करना है, हमें वेलनेस की बात करनी चाहिए। हम लोगों को जब भी बात करें हम वेलनेस की बात करें, सुरक्षा की बात करें, जो यौवन जीवन की बात करें, तरुण लाइफ की बात करें, हमेशा ध्यान में रखिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हेल्दी डाइट और सप्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव रहना, इसके लिए आप शून्य मेडिटेशन के बारे में भी कभी ना कभी उनके साथ बात कर सकते हैं, एक अच्छा मेंटल एटीट्यूड लाने के लिए बढ़िया से तरीका है।
हेल्थी लाइफस्टाइल होना, यानी सही तरीके से आपका सोना, स्लीपिंग टाइम अच्छा रहना चाहिए, आपका गुड वर्क होना चाहिए, सही तरीके से आपका पूरा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, हेल्थी डाइट होना। हेल्थी डाइट मतलब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एसिड खाना है या अल्कलाइन खाना है, कुछ चीजों पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। और फिर फोर्थ थिंग आता है पिलर हमारा सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन को यहाँ पर बोल्ड बनाए, मतलब क्या है, ये ऊपर वाली तीन चीजें आपके हाथ में है। आप अच्छा मेंटल एटीट्यूड रख सकते हैं, आप अच्छी लाइफस्टाइल भी अपना सकते हैं, आप अपने डाइट को भी सुधार सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंटेशन के लिए हमें डिजेक्शन की तरफ आना ही पड़ेगा। अगर ये चार पिलर दुरुस्त हो जाएंगे तो जिंदगी का अच्छा स्वास्थ्य बना पाएंगे। अगर इसमें से एक भी खराब हो जाता है तो हमें स्वस्थता मिलती नहीं है। तो ध्यान रखिए इन चार चीजों पे, इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्थ एग्जैक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। डीएक्सएन अगर आप बात करते तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इज आवर ह्यूमन बॉडी। दुनिया में अगर अच्छी प्रॉपर्टी है, दुनिया की सबसे अच्छी एसेट अगर क्या है तो ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे कुछ साइंटिस्ट भी इसके ऊपर बात करते हैं, WHO भी इसको कुछ शायद बताएं कि 200 करोड़ का हमारा बॉडी है। और भगवान के पास हम जाते हैं, भगवान तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे कुछ नहीं कैसे दिया, 200 करोड़ का ये प्रॉपर्टी दिया। एक हाथ काट के दो ना किसी को, हो सकता है एक आंख निकाल के दे दो, कोई मुश्किल है नहीं, देख निकाल सकते हैं ना। किसी डॉक्टर के पास जाओ, मुझे आंखें दान करनी है, दे देगा डॉक्टर निकाल के, लेकिन क्या कोई तैयार हो जाएगा? अरे एक एक ऑर्गन कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगलो चाहिए, अच्छा प्रॉपर्टी चाहिए, घर गाड़ी अच्छा होना चाहिए, ये सब आप बना सकते हो और निकाल भी सकते हो और फिर से चेंज करके, फिर से रिप्लेस करके और अच्छा ले सकते हो, लेकिन हम अपनी बॉडी को रिप्लेस नहीं कर सकते। दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट इज आवर ह्यूमन बॉडी। हम गाड़ी चेंज कर सकते हैं, हम बॉडी चेंज नहीं कर सकते। हम गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं, हम बॉडी का सर्विसिंग नहीं करते। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव मशीन है, एक अच्छा मशीन बताया जा रहा है गैनोडर्मा, सॉरी हमारी बॉडी को, सॉरी। तो बॉडी इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव मशीन है, इज ए लाइक अ मशीन। जब भी देखो, हम जब भी एक गाड़ी की अगर तुलना किसी मशीन से कर देते हैं तो दोनों का मैकेनिज्म सेम मिलता है, दोनों का पूरा स्ट्रक्चर सेम आ जाता है सर। तो हम देख रहे हैं क्या है, एग्जैक्टली मशीन ही है। हाउ वी डील विथ आवर बॉडी, हम हमारे बॉडी के साथ, हम बॉडी के कितने सारे टॉर्चर हमारे बॉडी के ऊपर ले रहे हैं, कितने सारे टॉर्चर हम बॉडी को दे रहे हैं। हम जिस तरह से समझ में नहीं पाते हैं कि हमारे शरीर की एग्जैक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि जरूरत ही क्या है, हमारे शरीर में क्या जरूरत है, आवर हाउ आवर बॉडी वर्क, हमारा शरीर किस तरह से काम करता है। रोल ऑफ डीएक्सएन प्रोडक्ट इन आवर बॉडी वेलनेस मैकेनिज्म, एग्जैक्टली हमारा डीएक्सएन प्रोडक्ट हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेन चीज आती है, इसको हमेशा हमारी बातों में रखिए, कम्युनिकेशन में रखिए, कभी भी किसी से बात करें तो इन लाइनों को हमेशा बताइए कि गैनोडर्मा या हमारा प्रोडक्ट, जब भी किसी को बताना है आप बताना आपका बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर है और इसको मजबूत बनाने का जिम्मेदारी ये प्रोडक्ट का है, बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, ये बात है। तो नेम द बेस्ट डॉक्टर, इसको ऑलरेडी पूरी दुनिया ने बताया जा चुका है, साइंटिस्ट भी बताया जा चुका है, डॉक्टर लिम इसके ऊपर बहुत ही अड़े हैं कि हमारा बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे अच्छा बेहतरीन डॉक्टर अगर कोई है तो हमारा बॉडी है। अभी पूरी दुनिया जाग चुकी है, अब पूरी दुनिया, पूरा मीडिया, पूरा साइंटिस्ट, पूरा सारा रिसर्च पेपर के साथ बात कर रहे हैं कि अभी ये कोरोना को हराना है तो आपको बॉडी को अच्छा रखना पड़ेगा। अब पूरी दुनिया बता रही है जितना अच्छा आपका इम्यूनिटी रहेगा उतना अच्छा आप इससे बच सकते हो। तो अभी बता रहे विटामिन सी लो, जिंक की मात्रा लो, अच्छे फूड खाओ, न्यूट्रिशनल ले लो, माइक्रो न्यूट्रिशन शरीर में जाना चाहिए। अब बता रहे वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करो। अब बता रहे स्पिरुलिना के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल माइक्रो न्यूट्रिशन कंटेंट है, उसको लेना चाहिए। क्यों बता रहे, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी की रक्षा करनी है तो पहले बॉडी को ही मजबूत करना पड़ेगा, ना कि कोई वैक्सीन दे सकते। सर वैक्सीन देते मतलब क्या करते हैं, कुछ लोग अभी बहुत सारे लोग चर्चा तो कर रहे हैं क्या इसका वैक्सीन आएगा, कब आएगा वैक्सीन, कैसे होगा ये वैक्सीन, और वैक्सीन किस किस को मिलेगा, कितने लोगों तक पहुंच जाएगा, हम चर्चाएं तो करते ही रहते हैं, कब आएगा, कितने साल में आएगा, कितने महीने में आएगा। मैं बता रहा हूँ वैक्सीन का मतलब क्या है सर, वही वायरस, अर्धमरा वायरस आपके शरीर में छोड़ा देता है। जो अर्धमरा है मतलब पूरा जिंदा नहीं है, अर्धमरा वायरस को आपके बॉडी में छोड़ देते हैं और वो वायरस शरीर में छोड़ने के बाद आपका इम्यूनिटी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी उम्र के लोगों को ये वैक्सीन काम करेगा क्या, ये भी चिंता का प्रश्न है। कभी देखिए, हमेशा देखिए, हम जो वैक्सीन करते हैं या लसीकरण बोलते हैं इसको, ये हम बचपन में करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को करते हैं और उसका एक उम्र का अवधि भी होता है। तो ये साइंटिफिकली कुछ बातें हैं कि बचपन में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को उस वायरस की पहचान करा के देना, यानी वैक्सीनेशन, यानी लसीकरण। जिंदगी में कभी इस सिचुएशन हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी जान जाए, अरे इसको तो मैंने बचपन में ही पछाड़ा था तो अब तो मैं इसका पूरा काम निपटा दूंगा। इस तरह के वायरस अगर बचपन में ही शरीर में छोड़े दे उसको वैक्सीन बोलते हैं। ये दवाई नहीं है वैक्सीन का मतलब,
कुछ लोग अभी देखो जैसे ही पब्लिश हो जाएगा वैक्सीन आ गया तो लोग बोलेंगे कोरोना के लिए दवाई आ गई, कोरोना दवाई नहीं सर, वैक्सीन का मतलब आपकी फिर से इम्यूनिटी को जगाने की एक तकनीक है। तो क्यों ना हम पहले से ही हमारी इम्यूनिटी को और अच्छा बनाए, हमारी सेल हमारी कोशिकाएं और मजबूत बनाए और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको और अच्छा बनाना जरूरी है। तो हमारा बॉडी सभी कुछ हैंडल कर सकता है, आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, हमारा शरीर खुद एक अच्छा इंपॉर्टेंट डॉक्टर है। क्या क्या करता है ये बेस्ट डॉक्टर है, इसके अंदर बेस्ट लैब भी है, इसके अंदर बेस्ट फार्मा भी है, राइट। बेस्ट लैब मतलब क्या है, ये खुद शरीर की जांच पड़ताल भी करता है, खुद जाके चेक भी करता है और उसका सिम्पटम भी शरीर पे दिखाता है। ये खुद फार्मा भी है, मतलब शरीर को कुछ जरूरत वाली चीजें वो खुद भी तैयार करता है। जरूरत की चीजें मतलब क्या है, मान लो कोई जख्म हो गया तो जख्म को हीलिंग करने के लिए जो कुछ एंजाइम चाहिए वो एंजाइम शरीर खुद बना देता है और वो जाके वहां पे पहुंच जाते हैं और वो एक एक ट्रक वहां पे पहुंच जाता है, उस जख्म को ठीक करने के लिए तैयारी हो जाती है। आप देखिए किसी को चलते चलते गिर गया, गिर से पूरा जख्म हो गया, जख्म से खून बह रहे हैं, जैसे खून बह रहे हैं हमारा बॉडी का फार्मा तैयार हो जाएगा, अंदर का फार्मा। अब ये ब्रेन को मैसेज देगा कि अभी कुछ ना कुछ तो करो, लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रही है, वो जो क्लॉट जो खून बह रहा है वहां पे सुखाओ, उसको क्लॉट बनाओ, उसको जाड़ा करो, उसको ठीक करो। तो हमारे बॉडी के एंजाइम की पूरी प्रणाली काम करती है, पूरा एक ट्रक के ट्रक भरकर वहां पे पहुंचा देता है जहां जख्म होता है, जहां से खून बहता है वहां पे फिर खून खून हमारा जमना शुरू हो जाता है, एक क्लॉट बनती है और हमारा खून जम जाता है, यानी क्या बोलते गाढ़ा हो जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। किसने किया यह सब कुछ, ये हमारी बॉडी के बेस्ट डॉक्टर ने कर दिया। और फिर जख्म के ऊपर फिर हम कुछ मलम लगाते हैं, पट्टियां लगाते हैं, दवाइयां खाते हैं, हमें लगता है डॉक्टर ने जख्म बरी कर दी। बिल्कुल नहीं सर, आपकी सेल की जो हीलिंग है, आपके अंदर का जो फार्मा है, आपके अंदर का जो डॉक्टर है वही जख्म को ठीक करता है। डॉक्टर तो सिर्फ इन्फेक्शन को रोकता है, बाहर से कुछ वायरस फिर से अंदर ना बैठे, फिर कोई पॉइजन या सेप्टिक ना बने, इसके लिए हमें प्रोटेक्ट करता है, मदद करता है। कुछ स्वेलिंग ज्यादा बढ़ने है इसके लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी भी दवाई देगा, लेकिन जख्म को ठीक करना, फिर से स्किन कवर होना, नया स्किन आना और वो जो जख्म का जो दाग इसको व्रण बोलते हैं वो भी खत्म निकल जाना, ये सारा काम हमारा बॉडी खुद कर देता है। यही हमारा मेन चीज है, यही मैं आज आपको बता रहा हूँ। आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। वैक्सीनेशन भी हमारे शरीर का इम्यूनिटी को जगाना है, इज एंटी ट्रीटमेंट। तो गैनोडर्मा खाना मतलब क्या है, ये भी एक वैक्सीनेशन है। कौन सी बीमारी का वैक्सीनेशन है, कोरोना का है क्या? नहीं सर, अभी ये मत बोलना गैनोडर्मा खाओ वैक्सीन है, नहीं, गैनोडर्मा पूरे शरीर के लिए आने वाले समय में कैंसर तक के रोगों को रोकथाम कम करने के लिए वैक्सीनेशन है। मैं बता रहा हूँ फिर से, कैंसर भी उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है जितना कोरोना है, लेकिन ज्यादा बात हम कोरोना की कर रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ, एवरी मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु कैंसर से हो रही है, लेकिन इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। एक दिन में हम देखते हैं 89,000 कुछ मिनट्स होते हैं ना, सेकंड होते हैं, तो एवरी मिनट कितने हैं आप चेक किए, 1440 कुछ मिनट होते, तो एक दिन में 1500 लोगों की मौत हो रही है कैंसर के कारण। हर दिन 1500 लोग मर रहे हैं, लेकिन क्या भारत में कोई रिपोर्ट पब्लिश होगी हर दिन 1500 लोग मर रहे हैं तो कैंसर के खिलाफ कुछ करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मीडिया उसको पकड़ता नहीं है। मीडिया किसने पकड़ा, कोरोना को पकड़ लिया। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, वैक्सीनेशन एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो हम कैंसर की भी रोकथाम करें, हृदय विकार की भी रोकथाम करें, आने वाले समय में किसी भी बीमारी को शरीर में आने से रोके, तो हमारी बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, यानी शरीर को जगाना जरूरत है। और बॉडी कैसे वर्क करता है, या हमारा बॉडी वर्क करता है, शुरुआत जो होती है इसकी स्मॉल मतलब स्टार्ट जो होती है एक सेल से होती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म यानी पूरा बॉडी बन जाता है। तो पूरा शरीर जो बना है वो एक एक कोष से बना है, एक एक सिंगल सेल से बनता है, सेल से फिर एक कोशिका से हमारा कोशिकाओं का समूह बनता है। और पूरा शरीर अंदर तक छान कर देखा जाए, बॉडी अंदर से अगर देखा जाए, एक ऑर्गन का अंदर से देखा जाए, तो बना किस चीज से है, सेल से बना है। अगर लीवर सेल से बना है, किडनी सेल से बना है, हार्ट सेल से बना है, ब्रेन सेल से बना है, तो हमें जरूरत है हमारे सेल को ही अच्छा रखें। अगर सेल हेल्दी रहेगा तभी बॉडी हेल्दी रह पाएगा। टू एसेंशियल थिंग्स टू सर्वाइवल। अब सबको पता है कि हर चीज, हर बॉडी का पार्ट, हर एक माइक्रो पार्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारी कोशिकाओं से बने, तो हमारी कोशिकाओं को सर्वाइवल रखने के लिए, कोशिकाओं को जिंदा और अच्छा मजबूत और कार्यक्षम रखने के लिए मेन क्या है, तो मेन क्या है हमारे चीज के लिए जरूरत होती है, हम टू एसेंशियल थिंग बताया जा रहा है। सबसे पहले आते हैं, जो हम सांस लेते हैं उससे हमारे शरीर में जाता है ऑक्सीजन, यानी प्राण वायु, और जो हर सेल की जरूरत है जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत है, तो प्राण वायु। और दूसरा होता है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन, जो खाना खा रहे वहां से पोषक तत्व शरीर में जाना और वही पोषक तत्वों का शरीर में ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज माने की एनर्जी,
तीखा खाना भी खाते हैं शरीर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज माने एनर्जी, बट ये कहां से निकलता है, हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू से निकलता है, माइक्रो मैक्रो सभी तरह के न्यूट्रिशंस। तो हमें जरूरत क्या है, एक है हमारी ऑक्सीजन और दूसरा है हमारा मेन न्यूट्रिशन। मेन दो ही चीजें चाहिए हमारे को सर्वाइवल होने के लिए, प्रॉपर ऑक्सीजन का होना, प्रॉपर न्यूट्रिशन का होना और प्रॉपर सप्लाई चेन को अच्छा रखना, मतलब बॉडी के हर ऑर्गन हर सेल माइक्रो लेवल तक हमारे शरीर में वो सेल को खून अच्छी तरह से पहुंचना है, वहां पे ये पोषण और ऑक्सीजन जाना ही चाहिए। इन इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लड यानी हमारा सप्लाई चेन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मान लो अभी देखिए हमारे शरीर में खून तो निकल रहा है हृदय से, मतलब ये पंप हो रहा है, लेकिन ब्रेन तक नहीं पहुंच जाएगा तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब कि वहां की सेल मरना शुरू हो जाएगी। ये देखिए किसी भी सेल को जिस दिन खून मिलना बंद हो जाता है, वो पोषण मिलना बंद हो जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलना बंद होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वो सेल धीरे धीरे मरने लगती है, अकार्यक्षम होती है, एबनॉर्मल होती है और वैसी जगह पे कुछ ना कुछ बीमारी आती है। और फिर जिस जगह की बीमारी, उस बीमारी का नाम डॉक्टर देकर हमें बोल देते कि आपको फलाना नाम की बीमारी। लेकिन मेन चीज तीन ही थी, मेन पार्ट था ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड यानी हमारे शरीर की जरूरत है। और ब्लड वेसल्स माइक्रो लेवल मतलब है इसका मतलब है एक पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर आते हैं, अरे अर्थ को पूरी तरह से प्रदक्षिणा कर आते हैं, जितना लंबा डिस्टेंस होगा उतना लंबा डिस्टेंस का सफर हमारा खुद का खून एक दिन में तय करता है। माय गॉड, 1,00,000 किलोमीटर हमारा खून दौड़ता है और हमारी बॉडी की जो पाइपलाइन है वो 1,00,000 किलोमीटर इतनी बिछाई गई है। तो आप बताइए अभी जो आपको दिख रहा है वो माइक्रोवेव्स, मतलब क्या, हमारी जब किसी को सामने को गुस्सा आ जाता है तो उसके लाल आंखें देखना, वो जो लाल कलर आ जाता है वो आंखें लाल मतलब क्या है, इतनी सारी सूक्ष्म जो आंखों से पहले नहीं दिख सकती थी इतनी छोटी सूक्ष्म कोशिकाएं होती है, वहां पे खून पहुंचना जरूरी है। और कहीं ना कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर गड़बड़ हो जाती है तो हमारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो सेल अगर हेल्दी रखना है तो सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन जाना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन जाना है और वो सही समय पे वहां पे पहुंचना भी चाहिए, यानी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन को भी अच्छा रखना चाहिए शरीर के अंदर। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम, तो ब्रेन सेल, बोन सेल, पैनक्रियास सेल, लिवर सेल, स्किन सेल, ब्लड सेल, ये अलग अलग डिफरेंस नेम है। हम नेम से कनेक्ट नहीं होना है, हम कोशिकाओं से कनेक्ट होना, कोशिकाओं की जरूरत से कनेक्ट होना और हमारी शरीर की जरूरत से उसको कनेक्ट करना। ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हेल्दी सेल, अरे एक हेल्दी वाटर भी चाहिए, अच्छा पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा खुराक चाहिए, सनलाइट अच्छा होना चाहिए और एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, मेडिटेशन योगा करते रहना चाहिए, सारी चीजें हमें बता रहे हैं। लेकिन मेन जो हमारे लिए है हमारा सेल हेल्दी रहने के लिए, गुड न्यूट्रिशन और गुड सर्कुलेशन, बस इवेल्युएट करिए इस दोनों चीजों में, गुड न्यूट्रिशन और गुड सर्कुलेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन के साथ और अच्छा सर्कुलेशन मिल जाएगा। तो गुड न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, प्रॉपर गुड न्यूट्रिशन आएगा गैनोडर्मा से। एक चीज और एक ऐड कर दूंगा यहाँ के अंदर, गैनोडर्मा के कारण हमारे शरीर की ओरैक वैल्यू बढ़ती है। ऑर्गेनिक मतलब क्या है, ओरैक वैल्यू मतलब क्या है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इसका क्या कारण है, क्योंकि गैनोडर्मा जो है वो 24 आवर ऑक्सीजन को खींच लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। 24 आवर जो हर्ब है, दुनिया की ऐसी हर्ब है जो 24 घंटे सिर्फ ऑक्सीजन लेती है और CO2 छोड़ती है, और सारी कई सारी वनस्पतियां रात को CO2 छोड़ती है। लेकिन ये पावरफुल गैनोडर्मा जिसकी वजह से हम किंग ऑफ हर्ब बोलते हैं, जड़ी बूटियों का राजा है, इसके अंदर दुनिया में सभी जड़ी बूटियों से ज्यादा ओरैक वैल्यू है, ऑक्सीजन रेडिकल अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। और जो ओरैक वैल्यू है वो ओरैक वैल्यू 24,000 पार्ट पर मिलियन, इतना सारा ऑक्सीजन बनाने की क्षमता, यानी ऑक्सीजन का पावर हाउस कौन है, गैनोडर्मा भी है। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर जाना मतलब हमारे हवा से भी जाता है, जब आप पानी पीते हो तो वहां से भी ऑक्सीजन मिलता है शरीर को साफ, ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन होता है और वही ब्लड का ऑक्सीजन हमारा सेल खींच लेता है और जो खींचने की क्षमता है उसी को तो कहते हैं ओरैक वैल्यू। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा मात्रा में गैनोडर्मा खाना चाहिए। अगर आप प्राणवायु को मानते हो तो प्राणवायु को दाता जो है वो प्राणवायु दाता है गैनोडर्मा, इसलिए मेरा मराठी जो बुक था उसके अंदर मैंने प्राणवायु दाता लिखा है। देखिए कितना वर्ड, कितने साल पहले वो बुक बनाया मैंने, उसके अंदर मैंने प्राणवायु दाता ही क्यों लिखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारी कोशिकाओं को प्राणवायु की जरूरत है, वो मर रही है, खून के अंदर ऑलरेडी भरा पड़ा है ऑक्सीजन लेकिन सेल नहीं ले पा रही है। तो गैनोडर्मा एक पावर हाउस बन जाता है, न्यूट्रिशनल के अंदर भी पावरफुल बन जाता है और गुड न्यूट्रिशन गुड सर्कुलेशन करने में भी मदद करेगा, ये दोनों के लिए सप्लाई में मदद करेगा, टॉक्सिन उसको भी निकालने में मदद करेगा। तो न्यूट्रिशन भी देगा और सर्कुलेशन भी
बनाने में मदद करेगा गैनोडर्मा। स्पाइरुलिना भी पावरफुल है, स्पाइरुलिना भी खुद ऑक्सीजन का पावर हाउस बताया जाता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि दुनिया में अगर पॉइजन बढ़ जाए, विषैले तत्वों का भरमार हो जाए और पूरी हवा पॉइजन हो जाए, तो उसको शुद्ध करने का काम सबसे पहले कौन करेगा? तो अभी साइंटिस्ट और रिसर्च बता रहे हैं वो एक शैवाल करेगा, काई करेगा, और वही काम करता है, दिन रात करता है। और 3.5 अब्ज वर्षों से, 350 करोड़ साल से ये स्पाइरुलिना हमारे एनवायरमेंट को शुद्ध करने में मदद करता है। कैसे करता है ये? जितना दुनिया में पानी है और पानी के ऊपर जितना काई बिछा हुआ है, वो देखिए भगवान की लीला है ये, वो काई ऑक्सीजन को ज्यादा छोड़ती है, मतलब हवा में ज्यादा ऑक्सीजन देना यह हमारा काई करता है। तो जितना ज्यादा स्पिरुलिना खाओगे उसके अंदर आपको ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा भी मिलेगी। तो ये हमारे लिए मेन चीज आती है, हमारे शरीर में अच्छा प्राणवायु का होना, अच्छा न्यूट्रिशन का होना, और सर्कुलेशन को आपको अच्छा रखना है तो आपके शरीर में से सभी टॉक्सिनों को, कचरे को, जहां जहां ब्लॉकेजेस बने हैं, माइक्रो लेवल पे ब्लॉकेजेस है तो माइक्रो लेवल पे जाकर ढूंढ कर शरीर से बाहर निकालना चाहिए। यही मेन हमारा जो गैनोडर्मा है, थेरेपी है, उसके अंदर आता है। अब जब भी हम गैनोथेरेपी की बात करें तो उसके अंदर देखिए मैंने एक ऐड कर दिया अभी फूड थ्योरी के अंदर, डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी। अब हमेशा बात करिए थ्योरी के साथ बात करें, डोंट पुश द प्रोडक्ट, डोंट सेल द प्रोडक्ट, डोंट पिच द प्रोडक्ट। सामने वाला प्रोडक्ट नहीं लेता साहब, मैं रिपीट कर रहा हूं, सामने वाला आपसे परचेस करता है, वो आपका उसका कुछ ना कुछ तो समस्या परपेस करता है। तो आप डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी की बात कर सकते हैं। जब भी डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी की बात करना तो कुछ टॉक्सिन के कुछ उदाहरण के साथ बात करिए, इस तरह से दूध में भी टॉक्सिन आ रहा है, इस तरह से गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ऐसी बातें करते रहना और फिर टॉक्सिनों को शरीर से बाहर निकालना है तो बहुत अच्छे से निकाल सकते। कुछ दिन पहले मैंने एक सेमिनार सुना प्रियरंजन सर का, मुझे इतना खुशी हुआ वो प्रेजेंटेशन देखते हुए, कितना अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि जब एक महिला जब एक आईलाइनर लगाती तो कितना केमिकल शरीर में जाता है, टॉक्सिन जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपने वो प्रेजेंटेशन नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब में सर्च करके जरूर देखिए, आरबीसी के चैनल में मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा लगा मुझे डिटॉक्सिफिकेशन। और वही से मेरे दिमाग में आया कि इसको थ्योरी के साथ बताना चाहिए, तो सामने वाला क्या करेगा, अच्छा ये लोग थ्योरी बताते हैं और फिर सॉल्यूशन देते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, शायद कुछ लोगों को पता है, लेकिन मेन मेन चीजों को फोकस करके आगे बढ़ेंगे। एसिड अल्कलाइन थ्योरी है, मेन मेन चीजों को बात करूंगा मैं, द एंजाइम थ्योरी है, ग्रीन थ्योरी है, व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस, मेन मेन बातें जरूर करके आगे निकलेंगे जो एक की पॉइंट्स होते हैं, सेलिंग की पॉइंट्स। कभी भी अगर जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको आपके शरीर में टॉक्सिनों को शरीर में जाने से रोकना है और आपके बॉडी में इनबैलेंस को होने से रोकना है। दो ही चीजों को आपको संभाल के रखना है जो आप खुद कर सकते हो। हवा बदलना आपके हाथ में नहीं है, पानी बदलना आपके हाथ में नहीं है, ना खाना आप बदल सकते हैं, आप अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। ज्यादा फास्ट मत खाइए, ज्यादा मात्रा में मत खाइए और ज्यादा कम भी मत खाइए, राइट। इसके साथ ही बताया जा रहा है आपको एसिड फूड भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कुक फूड और ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खानी चाहिए, ज्यादा बॉइल फूड मत खाना, ये हमारा हैबिट है। लेकिन दोनों ही चीजें मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपके शरीर में टॉक्सिनों को जाने से रोकना है और आपके शरीर में इनबैलेंस होने से रोकना है, और इसके लिए हमें आगे देखना है। डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी का यही मेन चीज है, आपके शरीर में टॉक्सिन्स, शरीर में अभी टॉक्सिन्स के दो तरह होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर से अंदर आ जाते हैं वो एक्सटर्नल है, और जो इंटरनल है जो शरीर अंदर से तैयारी करता है, खुद बनाता है, कुछ प्रोसेसिंग के बाद शरीर कुछ वेस्टेज निकालता है, वो भी शरीर के बन जाते हैं टॉक्सिन्स। और एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कोलेस्ट्रॉल बनता है तो शरीर बना रहा है, अगर शरीर में यूरिक एसिड बनता है तो शरीर बना रहा है, कोई वजन ज्यादा बढ़ जाता है, मोटापा हो जाता है तो फैट्स हो रहा है, तो शरीर का अंदर का टॉक्सिन है। कई तरह के टॉक्सिन हमारा शरीर अंदर बनाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल, जो बाहर से जाते हैं वो है एक्सटर्नल। तो बहुत सारे आपको टॉक्सिन अलग अलग तरीके से मिलेंगे, हमें समझना चाहिए हमें डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी क्या है। डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी में हमने अभी बात किया था, इसके ऊपर आप जरूर बात करिए, जहां पे मैं बात कर रहा हूँ 3 लेवल डिफेंस मैकेनिज्म। हमारा शरीर ही दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, तो क्यों ना इस शरीर को भी मजबूत किया जाए। 3 डिफेंस है मेन हमारे शरीर के, जब भी कोई शरीर के अंदर आगंतुक आता है, कोई टॉक्सिन्स आते हैं, कोई विषैले तत्व आते हैं, कोई बीमारी बनने की सिचुएशन आ जाती है, तो हमारा शरीर उसको प्रतिकार करने के 3 संरक्षण कवच बनाता है, 3 संरक्षण प्रणालियां क्रिएट करता है, और जिससे वो उससे बचने की कोशिश ही करते रहता है, और उसको भी हमें समझना चाहिए। और वही डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी के अंदर आता है, सबसे पहले आता है डिस्चार्ज फेज, मतलब जितने सारे विष शरीर के अंदर आ रहे, आप सवाल पूछ रहा हो ये विष शरीर में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए, आप सवाल का जवाब उसको पूछिए सामने वाले को। ये जो विष शरीर में जा रहा है, पहले तो हमने बात किया जा रहा है, कई तरीके से जा रहा है, तो शरीर में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए, तो बोलेगा बाहर जाना चाहिए, तो बाहर जाने के लिए क्या है,
बाहर जाने के लिए हमारे लिए द्वार है, लेकिन बाहर निकालने वाला चाहिए वो है गैनोडर्मा। द्वार है ना, द्वार मतलब क्या है, जहां से शरीर खुद निकालता है, यूरिन से सबसे ज्यादा निकलता है, सबसे ज्यादा यूरिन और स्वेट से आता है, फिर स्टूल्स और फलगम बलगम यानी कफ से निकलता है। तो तरीका अलग अलग है, लेकिन जब भी हम गैनोडर्मा खाते हैं तो हम जरूर बताते हैं कि आपका यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ना यही तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी है। बता बार बार थ्योरी थ्योरी बोलेंगे ना तो सामने वाला आपके प्रोडक्ट को मना ही नहीं कर सकता, अगर वो सही में स्वस्थ रहना चाहते और वो दिमाग में यही लेगा सामने वाला मुझे प्रोडक्ट बेच नहीं रहा है, वो एक साइंटिफिक बात ही कर रहा है, सही ढंग से मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके शरीर में पहला लेवल आ जाता है जो बॉडी खुद काम करता है, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज फेज, खुद निकालता है। कितना निकाल पाएगा, जितनी उसकी ताकत है, उसकी ताकत बनाना हमारा काम है, लेकिन जितनी उसकी क्षमता है उससे निकालता है। लेकिन ऐसा होता है 100 के 100 तरह के टॉक्सिन शरीर नहीं निकाल पाता है, कुछ समय तक शरीर टॉक्सिन निकाल पाता है लेकिन एक समय पे शरीर खुद थक जाता है और फिर जो बॉडी टॉक्सिन को नहीं निकाल पाती है उसको वो सेकंड लेवल पे लेके जाता है। जो ऐसे टॉक्सिन है जो शरीर बाहर नहीं निकाल पाता है उसको पुट साइड फेज में लेके जाता है और उसको क्रिस्टलाइज करता है, यानी कुछ कंबाइंड मटेरियल्स में, इनर्ट मटेरियल के अंदर, मतलब अंदर के कुछ ऐसी चीजों में परिवर्तित कर देता है जिससे शरीर में बीमारियां होने का चांसेस है, बट शरीर उसको बीमारी नहीं मानता है, उसको बोलते हैं हम पुट साइड फेज। मतलब क्या है, अगर वो शरीर के अंदर है, मान लो एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, अगर शरीर में डायबिटीज हो रहा है, शुगर हो रहा है, तो शुगर को हमारे शरीर में डिपॉजिट करता है, जमा करके रखता है लीवर के अंदर, ज्यादा मात्रा में कहाँ स्टोर हो जाता है, लीवर में स्टोर हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में ज्यादा बढ़ जाए और वो माइक्रो सर्कुलेशन में ब्रेन की नली में पहुंच जाए, खून की नली में, ब्रेन की वेंस में अगर चली जाए तो वहां पे पैरालिसिस स्ट्रोक हो सकता है, तो शरीर क्या करता है उसको आगे जाने से रोकता है और एक साइड में लेके जाता है। किडनी स्टोन, जैसे कि एक स्टोन अगर नहीं बन सकता तो शायद हो सकता है किडनी भी फेल हो जाए, तो हमारी यूरिन लाइन में या किडनी के अंदर एक बाजू में तैयारी करना, एक साइड में जमा करके रखना, उसको बोलते हैं हम शरीर का पुट साइड फेज। तो जो विष, जो टॉक्सिन शरीर नहीं निकाल पाता है उसको साइड में रखना, वही है पुट साइड फेज। वजन का बढ़ना क्या है, पुट साइड फेज है। शरीर में शुगर का निर्माण होना क्या है, पुट साइड फेज है। बीमारी के नाम तो ये पैथोलॉजी ने दिए साहब, ये तो पूरा आजकल का हम देख रहे हैं पैथोलॉजी अलग अलग नाम देते जा रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं, शरीर इन चीजों को नहीं समझता है, शरीर समझता है इसको हमें शरीर में एक साइड में नहीं निकाल पा रहे, शरीर से कचरा नहीं साफ करे, उसको बाजू में रखे। अब कितना रख सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, उसकी जितनी क्षमता है उतना रखेगा, लेकिन एक समय उसके जीवन में आ जाता है वो उसको शरीर में जमा करते रखने से उसको समझ में आ जाता है अब यहाँ से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, यानी ये ऑर्गन फेल हो सकता है या कुछ बड़ी समस्या बन सकती है, तो शरीर क्या करता है उसको ट्यूमर डेवलपिंग फेज में लेकर आता है, मतलब एक जालीदार रचना तैयार कर जाता है और उन टॉक्सिनों को पूरा इकट्ठा करता है और उसका एक ट्यूमर में परिवर्तन कर देता है, गांठ निर्माण अवस्था बोलते हैं इसको। तो गांठ किसने बनाई, ये ट्यूमर किसने बनाया, ये हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म ने बनाया। क्यों बनाया, अगर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन हो रहा है तो लंग्स को ऑक्सीजन लेने की क्षमता ही बंद हो जाएगी, जब प्राणवायु लंग्स नहीं ले पाएगा तो आदमी मर सकता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, वो सारे विषैले तत्वों को लंग में से इकट्ठा करता है, बाजू में जमा करते रहता है, जमा करते रहता है, जमा करते रहता है, और फिर जब मात्रा और ज्यादा बढ़ती है और ज्यादा लंबे समय तक बढ़ती है तो उसको क्या करता है, वो सारे टॉक्सिनों को एक ट्यूमर में परिवर्तन कर लेता है, और वो ट्यूमर का बनना ही हमारे शरीर में ये हमारी बचाने की तीसरी कोशिश थी। अब यहाँ पे एक चीज आती है, इसका सबसे पहला जड़ कहाँ पे है, यह है टॉक्सिन्स, विषैले तत्वों का बाहर बढ़ना। तो फिर यहाँ पे हम आज जो बात कर रहे हैं आपसे, वो डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी है। मतलब क्या है, हमें अगर आने वाले समय में अच्छी तरीके से, मैं बता रहा हूँ 100 साल भी अच्छा रहना है, हमें अगर 100वां 100th बर्थडे अगर मनाना है, ये भी डॉक्टर ने कल की रिपोर्ट पब्लिश में बताया उन्होंने, 100 साल तक अगर आदमी जीना चाहता है तो वो टॉक्सिनों को शरीर से बाहर निकाल फेंके और समय समय पे हमारे बॉडी की इनबैलेंस को बैलेंस करने की मदद करें। तो फिर इसका मेन सॉल्यूशन हमें चाहिए, वही हमारा डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी है, और वही है गैनोडर्मा लुसिडम। अब देखिए हमारा हीरो सामने आ गया, जितना हमने समस्या पे बात करके फिर सॉल्यूशन सामने डाल दिया। अब हमें इसको अगर सही ढंग से हेल्दी रहना है तो हमें डेली आरजी जेल खाना चाहिए, गैनोडर्मा खाना चाहिए। कितना खाना है, जितना मर्जी उतना खा सकते, ऑर्गेनिक फूड है। ऑर्गेनिक फूड बोलना फिर दवाई नहीं है, सप्लीमेंट भी बात मत करना, कभी कभी सप्लीमेंट बोलने से भी हम गड़बड़ में आ जाते हैं, सामने वाला पूछता अच्छा ठीक है फिर डोज क्या लो, तो बोलना आप मिनिमम भी ले सकते हैं, मैक्सिमम भी ले सकते हैं और रिच डोज भी ले सकते हैं, मेगा डोसेस भी ले सकते हैं,
और इसके लिए डॉक्टर लिम ने एक अच्छा थ्योरी बताया 1-2-4-6 फॉर्मूला सभी लोगों के लिए और क्रॉनिक लोगों के लिए, लास्ट स्टेज में जाते हैं या 100% पूरी तरह से पूरे डैमेज हो चुके हैं या कोरोना जैसे वायरस के अंदर भी डॉक्टर लिम ने सेंटेंस दे दिया, उनको भी हमें मेगा डोसेस देने चाहिए। मेगा डोसेस 10 RG 10 GL 20 RG 20 GL। तो यहाँ पे हम बात करते हैं गैनोडर्मा को हमेशा लेते रहना हमारा सुरक्षा कवच है। और सही में मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में आपका असेट जो मैंने बात किया था, आपका बेस्ट जो डॉक्टर है जिसकी मैंने भी बात कर रहा था, पूरी तरीके से मैं जो आज बता रहा हूँ कि पूरा बॉडी आपका मेन प्रॉपर्टी है, आपका एक अच्छा एक इसेंशियल मशीन है, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल रखना चाहते हो और कोई भी रोग शरीर में आने से अपने आप को रोकना चाहते हो, तो बिना रुके बिना थके कोई भी सोच से बिना आपको अर्जल जरूर खाना चाहिए। इसका ऑब्जर्वेशन थ्योरी बताया जाता है। ये गैनोथेरेपी को अभी पूरी तरीके से उस जनरल रिपोर्ट्स के अंदर रिसर्च पेपर्स में गैनोथेरेपी के नाम से दातो डॉक्टर लिम सियोजिन और एक कोई अलग नाम है शिव कुमार का सुकुमार ऐसा कुछ नाम है, वो दोनों ने मिलकर इसको पूरी तरह से दुनिया के सामने रखा है और बताया जा चुका है। मैं लास्ट में बताऊंगा ये सारी चीज़। बताया जा रहा है गैनोथेरेपी का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, यदि देखिए लाइन बहुत अच्छी सी इंपॉर्टेंट है, यदि आने वाले समय में हम टॉक्सिनों को शरीर से बाहर निकाल पाते हैं और असंतुलन को संतुलन में बनाए रखते हैं तो आने वाले समय में रोगों को रोका जा सकता है। ये मेन दोनों ही कारण है जिससे रोग बनते हैं, एक है टॉक्सिन यानी विष और दूसरा है असंतुलन। तो यदि आने वाले समय में हम दो चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं तो आपके शरीर में रोग होने से रोक सकते हैं, यही हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी क्या है, गैनोडर्मा डज नॉट क्योर एनी डिसीज, ये लाइन जरूर समझ लीजिए। ये डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी में आ रहा है गैनोडर्मा का। गैनोडर्मा कोई भी रोग को ठीक नहीं करता है, ये हमेशा बोलना। हमारा प्रोडक्ट जो है, ये जो प्रोडक्ट है, ये आपके रोग को ठीक करने के लिए नहीं है, ये आपके शरीर को ठीक रखता है। तो गैनोडर्मा हमेशा बॉडी की मदद करता है और बॉडी जाको हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, इसको बोलते हैं एबीसी रूल। तो देखिए रूल में बात किया, अब ये एबीसी रूल क्या है, मतलब डॉक्टर जब भी काम करता है वो डायरेक्ट दवाई पे काम करता है। हमेशा डॉक्टर तीन सवाल पूछता है, क्या हो रहा है, कब से हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। ये डॉक्टर हमेशा तीन सवाल पूछे, क्या हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, कब से हो रहा है, इतने साल से हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो जितने सिम्टम आपने बताए उतनी बड़ी लिस्ट वो बना के देगा और मेडिकल वाले के पास भेज देगा, कुछ दवाई आपके पास खुद के पास के लिए भी देगा और फिर मेडिकल से लेने को कहेगा। क्या कर रहा है वो, आपके सिम्टम को जान रहा है, आपकी बीमारी को समझ रहा है और उन अलग अलग सिम्टम की अलग अलग दवाइयां दे रहा है, तो आपकी सिम्टम के ऊपर काम करता है। सिम्टम कम हो जाएंगे, कारण वैसे के वैसे रहते हैं। वो कहां है, शरीर के अंदर, जो हमने आज बात की है टॉक्सिन इनबैलेंस। तो हमें ध्यान देना है, गैनोडर्मा हमेशा ध्यान में रखना है, किसी भी सिम्टम को देखता नहीं है। तो हमारा गैनोडर्मा शरीर को स्वस्थ बनाता है और शरीर करता है और शरीर भी गैनोडर्मा जाके बीमारी को बाहर और शरीर हमारा बीमारी से रोकने के सक्षम बन जाता है, आने वाले समय में रोगों को रोकने के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो यही हमारा मेन चीज है जिसकी वजह से हम बात करते हैं, कोरोना के अंदर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप कंटिन्यूअसली गैनोडर्मा खा रहे हो। जैसे मैं गांव में आया, मैंने पापा को एक ही सवाल पूछा, अभी आप, मैं पापा बोलता हूँ, अप्पा बोलता हूँ उनको, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पापा को एक सवाल पूछा, अभी आप कितना खा रहे हो गैनोडर्मा, मेरे पापा बोले मैंने अभी इसको 6-6 कर दिया है, मैंने 6 RG 6 GL कर दिया, खुद की मन से कर दिया। उन्होंने पहले कितना लेते थे, वो सिर्फ 1 पेयर सुबह शाम ले रहे हैं, एक ही पेयर खा रहे हैं, कितने साल से खा रहे हैं, 14 साल से खा रहे हैं। आप 70 साल के 70 साल के फिर भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कोई बीमार, कोई स्वस्थ, कोई रोग कुछ नहीं है 70 साल की उम्र में। और एक जमाने में कई सारी बीमारियां शरीर में आने का चांसेस बन चुका था, बढ़ चुका था। आज खुद बोलते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक यही खाऊंगा, और जैसे कोरोना का जो भय बढ़ चुका तो उन्होंने खुद ने अपने मन से 6-4 RG खाना शुरू किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इन चीजों को समझना है, आपकी बॉडी को समझना है, डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी को भी समझना है, जो जो बताया जा रहा है उन चीजों पर ध्यान देकर आपको अपना सुरक्षा का पहला अपनाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सुरक्षा आती है, उसके बाद आपका जो भी करना है, डेवलपमेंट करना है, आने वाले समय में कुछ भी होगा, अगर बचेंगे ही नहीं तो क्या कर पाओगे सर। तो खुद का बचाने का पहला रास्ता बना दीजिए, बचना ही पर्याप्त है। तो आपको ज्यादा मात्रा में खाना ही चाहिए, जितना हो सके, जितना पॉकेट अलाउ करता है उतना शुरू कर दीजिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन थ्योरी, इस गैनोथेरेपी में ऑब्जर्वेशन थ्योरी है, मतलब हमने ऑब्जर्व किया है, डॉक्टर लिम ने 27 साल में, तीसरा ऑब्जर्वेशन हमें बताया, हमने 27 साल में जो गैनोडर्मा का रिसर्च किया पूरी दुनिया पर 200 कंट्रीज में, उससे हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि रिएक्शन इज कॉज्ड बाय बॉडी नॉट बाय गैनोडर्मा। मतलब क्या है, रिएक्शन जो होते हैं वो किसी गैनोडर्मा खाने की वजह से नहीं हो रहे, बल्कि शरीर में बने टॉक्सिन के कारण बन रहे। और इसके ऊपर हेक्सागोनल थ्योरी डॉक्टर लिम ने बताया, हेक्सागोनल रिफ्लेक्सोलॉजी,
ये डिटेल में जाना है ना आपको, अगर ट्रेनिंग अच्छी तरह से लेना है तो और ज्यादा डिटेल भी जा सकते हैं, तो आपको फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, और हमेशा डॉक्टर लिम के भी लॉकडाउन के अंदर खुद डॉक्टर लिम लाइव ऑनलाइन आकर आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। आपको जरूर जाना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए। और यही पे बताया जा रहा है, आपके अगर शरीर में कुछ रिफ्लेक्शंस, रिएक्शंस और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस है। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन जो होती है यार, जो भी साइड इफेक्ट बात करते हैं, बोलते साइड इफेक्ट का मतलब होता है, मैंने अगर एक दवाई थी, मैंने अगर मान लो निसिप यानी मैंने क्या खाया, निसिप की दवा खाई, पेन किलर वाली, और मुझे क्या हो रहा है, मुझे गुंगी जैसा आता है, क्या बोलते हैं उसको, ड्राउजीनेस आ रहा है। तो ये 20 लोगों को दिया तो 20 के 20 लोगों में कम ज्यादा मात्रा में ये ड्राउजीनेस आएगा, या 20 के 20 लोगों को वोमिटिंग जैसा फीलिंग आएगा, इसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। बट 20 लोगों को मैंने गैनोडर्मा दिया तो एक को क्या हो रहा है, यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, एक को शरीर से कफ निकल रहा है, तो ये होते रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, शरीर में कुछ रोग ऑलरेडी है, उसको शरीर से बाहर निकालना ही रिफ्लेक्सोलॉजी है। और ये रिफ्लेक्शन हमारे शरीर में दिखना, इसका मतलब है अवेयरनेस करता है आने वाले समय की बीमारी के लिए, हमारे शरीर में एक अलार्म बना देता है, और वो खुद बना देता है, गैनोडर्मा कर देता है, और हमारे शरीर की मदद करके आगे बढ़ता है, और इसी को हम कहते हैं। कोई भी आपको इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, वो हमेशा लाइन बोल देना कि वो गैनोडर्मा या प्रोडक्ट की वजह से नहीं हो रहे, वो आपके शरीर में बने कुछ परिस्थिति के कारण है। और एक दूसरा लाइन बोलना, ये टेम्पररी है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सके तो पानी की मात्रा और ज्यादा बढ़ाइए, और ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप थोड़ा सा डोज को कम कर सकते हैं, फिर भी सहन नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई भी मेडिसिन खा सकते हैं। हो रहा है तो आपके शरीर बाहर निकालने की एक कोशिश ये प्रोडक्ट आपके शरीर में कर रहा है, ताकि आप आने वाले समय में जिंदगी भर स्वस्थ रहें। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन थ्योरी था। यही मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हमें ये आरजी जेल खाना है तो आपको थ्योरी बताना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी के साथ बात करिए, 1-2-4-6 फॉर्मूला यहाँ पे बताया जा रहा है। 1-2-4-6 फॉर्मूला, ये आप 4-6 के साथ लेना है। नो रिस्पॉन्स, आपको डोज बढ़ाना है। मैनेजेबल सिचुएशन है, डोज कंटिन्यू करना है। और अगर अनमैनेजेबल सिचुएशन है तो डोज को, मतलब क्या है, वो सहन नहीं कर पा रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और वो बोलते हैं सर मुझे सहन नहीं हो रहा है, वहीं पे डोज को सीधा आधा कर दीजिए। बट डोंट स्टॉप द गैनोडर्मा, बंद मत करना। द रियल टाइम फैक्टर मोस्ट टाइम सॉरी द मेन चीज इज टाइम फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द डोसेज। मतलब क्या है इसका, समय कभी कभी डोज से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कभी कभी डॉक्टर खुद बोलते हैं ये आदमी अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ता 3 हफ्ता या 6 महीना जिएगा, अब इसके पास इतना समय बाकी नहीं है, इसको लास्ट स्टेज है, ये कोमा में है या कैंसर हो चुका है, शरीर में फैल रहा है, तो इसको शरीर में ज्यादा इसका उम्र अभी नहीं है, मतलब ये कभी भी मर सकता है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपका डोज या उसका समय, या फिर फाइट चल रही है दोनों के बीच में, उसका शरीर का सिचुएशन बीमारी की तरफ जाने वाला, या फिर कुछ सिचुएशन के अंदर वो फाइट कर रहा है। किससे फाइट कर रहा है, अपनी मृत्यु से फाइट कर रहा है, समय से फाइट कर रहा है। तो यहाँ पे समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर लिम खुद बोलते हैं मेगा थेरेपी लेनी चाहिए, मेगा डोसेस पे जाना चाहिए। 10 RG 10 जेल, 10 RG 10 जेल बोलने से अच्छा है, मैंने उसको चेंज कर दिया, मैंने सीधा बोलना शुरू किया आपको 10 ग्राम खाना चाहिए, फिर बोलना 20 ग्राम या 5 ग्राम तो मिनिमम शुरू कर दीजिए। तो सामने वाला पूछा ग्राम का मतलब, हाँ एक एक कैप्सूल खाओगे 1 ग्राम हो जाएगा, 1 RG 1 जेल 1 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब है 10 RG 10 जेल। कर सकते ना ऐसा, ग्राम बोलने से क्या होगा, सामने वाला इसको फूड की तरह पहलेगा, दवाइयां नहीं समझेगा। हम दवाइयां खाते हैं क्या, ग्राम में नहीं खाते, फूड खाते हैं, तो ये ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे एक थ्योरी आती है एसिड अल्कलाइन थ्योरी, वो इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी बात करें तो मैंने अभी पहले बताया था, आजकल एसिड बहुत बढ़ चुका है, दूध वाली चाय पीने के कारण रोग बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ भी कारण देखिए, पिज्जा बर्गर जो भी, या हम चाइनीज फूड खाते हैं, जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इससे शरीर में ज्यादा एसिड बनता है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, हमारी इंडिया में ज्यादा कुक किया जाता है, उससे ज्यादा एसिड बन रहा है। तो ये एसिड फूड मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन मेड बन जाता है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक, जो होता है वो मैटरली ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और जो ऑर्गेनिक प्राकृतिक होता है, जिसको प्रकृति खुद बनाती है, धरती ने बनाकर हमारे लिए रखा है, वो हमारे लिए अल्कलाइन मोस्टली होते हैं, और वो हमें कच्चा फूड खाने से ज्यादा सेहत के लिए अच्छे होते हैं। फल खा रहे आप अल्कलाइन कर रहे हो, लेकिन इसका रिवर्स साइकिल कर रहे हैं हम। 80-20 फॉर्मूला बताया जाता है यहाँ पे, 80% एसिड हो आपके शरीर में जा रहा है, आपकी जरूरत थी 80% अल्कलाइन,
लेकिन उल्टा अभी आप 80% एसिड डाल रहे हो तो आपके शरीर में आप ओवरलोड दे रहे हो, आपका बॉडी आने वाले समय में रोग की घंटा जरूर बजाएगा। और अगर रोकना चाहते हो, जिंदगी भर बचाना चाहते हो, तो एसिड के कारण अनगिनत प्रॉब्लम, मतलब हमारे सर के नीचे का जो बाल, मतलब सर में जो नीचे में जो माइक्रो सेल्स होते हैं वहां से लेके हमारे नाखून तक जो सेल्स होती है वो पूरे शरीर में एसिड के कारण कई बीमारियों को आने का चांस है। इवन कैंसर सेल भी एसिडिक होती है, हृदय विकार होता है बॉडी एसिडिक के कारण होता है, किसी को कोई भी ऑर्गन फेल हो जाता है बॉडी एसिडिक है, लिवर फेल्यूर हो जाता है, लिवर सीरोसिस जैसी बीमारियां बढ़ जाती है एसिडिटी है, स्किन की प्रॉब्लम है एसिडिटी है, कई बीमारियां मैं बता दूं आपने, महिलाओं की प्रॉब्लम एसिडिक कारण। तो क्यों ना इसको एसिड को एंटासिड खाने से अच्छा है आप अल्कलाइन फूड खाएं। और अल्कलाइन फूड के लिए आपके पास सबसे पावरफुल क्या है, अब जब मैं फल सब्जियां लेकर भी आता हूँ मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं है जितना भरोसा मेरे डीएक्सएन के प्रोडक्ट के ऊपर है। मैं गैनोडर्मा खाता हूँ तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन अल्कलाइन फूड खा रहा हूँ, जब मैं स्पिरुला खाता हूँ दुनिया के सबसे बेहतरीन अल्कलाइन फूड खा रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिए अल्कलाइन इन नेचर प्राकृतिक बनी हुई चीजें हैं जिसको हमें ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। एंजाइम का मतलब क्या होता है, एंजाइम का मतलब होता है शरीर कुछ रसद द्रव्य क्रिएट करता है जिससे हमारी पाचन प्रणाली, हमारी सिस्टम, हमारी सर्कुलेशन प्रणाली, बहुत सारी सिस्टम, हमारी हीलिंग थेरेपी, बॉडी के अंदर की हीलिंग बता रहा हूँ, वो सभी के लिए एंजाइम का जरूरत होता है। एंजाइम्स यानी हमारे शरीर में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी काम करते हैं, कई सारे टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने में, कई सारे न्यूट्रिशन को हमारे सेल तक पहुंचाने में, ये हमारे शरीर का मेन रोल अगर अदा करता है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो हमारा एंजाइम होता है। और यही पे हमारी गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से कई बीमारियां आ सकती है, कई तरह की बीमारियां आ सकती है। बट यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, डायबिटीज इज नॉट आवर प्रॉब्लम, एंजाइम इज आवर प्रॉब्लम। मतलब क्या है, एंजाइम की डिफिशियंसी, फूड इज आवर प्रॉब्लम। जितना ज्यादा बॉइल करोगे, जितना ज्यादा अभी केमिकल खेती से लेके सबसे पहले फार्मर ही इसको मार रहे, मतलब जितना जहर डाल रहे, जितना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड खाद डाल रहे उसकी वजह से पहले से ही निकल रहा है। दूसरा, उसको ज्यादा समय तक स्टोर करना, स्टोर करने के लिए अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल करते जाना, फिर हम जब तक मंडी में जाता है उसके बाद उसको हमारे घर में लेकर आते हैं, फिर हम इसको ज्यादा बॉईल करते हैं, कितना सारा चेन है देखो ये फूड पाइप का, और इसके अंदर सारे एंजाइम नष्ट होकर फिर हम सिर्फ पेट भरते खाना खाते हैं। तो डायबिटीज इज नॉट आवर प्रॉब्लम, आवर फूड इज द प्रॉब्लम। अगर फूड में इस तरह के एंजाइम नहीं रहेंगे, इंसुलिन भी एक एंजाइम है सर, थायरॉक्सिन सुधा एक एंजाइम भी है, तो जब ये इस तरह से शरीर में नहीं रहते हैं और कम हो जाते हैं तो हमारे शरीर के डाइजेशन सिस्टम के ऊपर लोड आता है। डाइजेशन सिस्टम डायबिटीज के अंदर अगर देखा जाए तो पैनक्रिया सिस्टम के ऊपर लोड आता है, लिवर डैमेज हो जाता है तो लिवर सिस्टम पे लोड आएगा, अलग अलग ऑर्गन्स है ना, थायराइड सिस्टम पे लोड आएगा एंजाइम की कमी की वजह से। और यहाँ पे आता है मेन कि आपका फूड की वजह से आपका उन सिस्टम्स के ऊपर प्रॉब्लम आता है। जैसे कि अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो आपका फूड प्रॉब्लम है, इसकी वजह से डाइजेशन यानी पैनक्रिया गड़बड़ हो जाती है, और पैनक्रिया सिस्टम में गड़बड़ होने से वहां पे डायबिटीज डिटेक्ट होता है। तो प्रॉब्लम डायबिटीज है या एंजाइम है, तो सामने वाला बोलेगा अरे ये एंजाइम मेन प्रॉब्लम है, अगर मैं एंजाइम को सही ढंग से शरीर को देते जाऊं तो डायबिटीज होने की संभावना कम कर सकते हैं। अब उसके साथ और एक फैक्टर जोड़ देना, फियर फैक्टर बोलते हैं। कभी भी सामने वाला आपसे प्रोडक्ट परचेस करता है ना, वो दो ही कारण होते हैं, या तो किसी ना किसी फियर के वश लेगा या फिर आपकी होप के कारण लेगा। आप कुछ ना कुछ फियर बता रहे हो इससे कारण कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेस करेगा, या फिर होप होती है। तो फियर क्या है कि 2030 तक WHO ने एडवाइजरी देकर बताया है कि भारत के अंदर 30 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो सकता है, और एक बार डायबिटीज हो जाए मरते दम तक रहेगा, तो क्यों ना अभी से जाग जाए और अभी से ज्यादा मात्रा में एंजाइम के डोज लेना शुरू करें, ज्यादा मात्रा में गैनोडर्मा खाए, जानेट स्पिरुला खाए, डेली खाना शुरू करें। कम से कम मैं बता रहा हूं, आज मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो मुझे कुछ लोग सलाह भी देते हैं कि हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके ऊपर भी अगर बात किया जाए, तो एक घर में अगर चार लोग रहते हैं तो आप चार ही लोगों को बोलना सिर्फ एक आरजे जरूर खाओ और जिंदगी भर खाओ, इससे क्या होगा, एक कंज्यूमरिज्म को डेवलप होंगे और पूरा घर स्वस्थ रहेगा, राइट। अब उसका मर्जी है कि वो डायबिटीज है, कैंसर है, बीपी है, तो वो सब लोग जिसको डोज बढ़ाने वो अपनी मन से बढ़ाएंगे। आप बोलना इस घर में जितने लोग हैं वो एक पेड़ जरूर खाए, और वो आपके सफिशियंट हो जाता है, आपने बताया वो बोलते हैं हाँ इतना तो मुझे जरूर खाना चाहिए, अगर बढ़ाना चाहते हो तो बाद में बढ़ाओ, लेकिन कम से कम एक पेड़ जिंदगी भर खाओ ताकि समय तक आप कभी भी बीमारी आने से रोक सकते हो। दूसरा बात है, इसके अंदर आती है स्पिरुलिना, सभी लोगों को बोलना कम से कम एक जरूर खाओ। मैं पहले बताता था एक ग्राम खाओ, तीन कैप्सूल खाओ, छह कैप्सूल खाओ, 10 कैप्सूल खाओ, लेकिन अब एक पूरे घर की बात करते हो और जब एक वेलनेस एडवाइजर बन के जा रहे हो तो कंज्यूमरिज्म को बढ़ाओ, एक स्पिरुलिना खाने की सलाह जरूर देकर आना।
तो क्या होगा, लोग सोचेंगे 3 रुपया नहीं कर सकता क्या खर्चा, 20 रुपया नहीं कर सकता क्या खर्चा अपने लिए, जिंदगी भर स्वस्थ रहना तो दिन का 20 रुपया, दिन का 3 रुपया, इससे ज्यादा तो खान पान में ही पैसा जा रहा है आजकल। तो क्यों ना आप अच्छी तरीके से कंज्यूमर को बढ़ाने के लिए आप वो पैक को भी अच्छी तरीके से लोगों को समझाए। प्राइस मतलब मैंने बताया था ना, क्वालिटी भी अच्छा है और प्राइस आपके लिए अफोर्डेबल भी आ जाता है। ग्रीन थ्योरी का बात करना है तो ग्रीन थ्योरी क्या है, ये भी हमारे लिए एक थ्योरी का मतलब होता है, हरित सिद्धांत है, ये भी है। साइंटिफिक लैंग्वेज में बात किया जाए तो हमारा जो ब्लड प्रोडक्शन होता है, जो आरबीसी यानी रेड ब्लड साइकिल की जो सेल बनती है हमारी बॉडी में, वो जो रेड ब्लड साइकिल की सेल बनती है वो बनती है एग्जैक्टली क्लोरोफिल के कारण। यस, इसका मेन रोल है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से हमारी बोन मैरो होती है उसके अंदर हमारा रेड ब्लड सेल्स क्रिएट होता है, उसका 120 दिन का साइकिल होता है, 120 दिन जीवन जीता है। अब ये जब जीवन जीता है तो वो कहाँ कहाँ पहुंचता है, उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। 120 दिन जब भी आए आने वाले समय में इसको हमें रिसाइकल मतलब क्या है, वो पहले तो तैयार होगा बोन मैरो में, फिर उसको हार्मोन्स की जरूरत है तो वो हार्मोन्स के लिए पहुंचेगा किडनी के अंदर, वहां उसके अंदर हार्मोन्स पहुंच जाएंगे, फिर वो लिवर में जाता है डीकम्पोजिशन के लिए, उसके और सारे केमिकल्स और बहुत सारी चीजें उसको मिलने के लिए शुरुआत हो जाएगी और डेड सेल को वहां पे भी डिस्ट्रॉय किया जाता है, और स्प्लीन के अंदर वो नष्ट हो जाता है। कितने दिन में नष्ट होगा, 120 दिन में। अब ये रेड ब्लड साइकिल अच्छी तरीके से रहे ना, तो जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये 120 दिन के बाद तैयार होती है क्या, नहीं सर, एवरी सेकंड एवरी मिनट एवरी क्षण आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं तैयार हो रही है। तो इसका मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स है क्लोरोफिल। तो क्या है इसका चीज, जब भी आप हरा खाना खाओगे, जब भी आप क्लोरोफिल यानी अच्छी चीजें खाओगे, ग्रीन फूड खाओगे, ग्रीन सब्जियां वो भी प्योर हेल्दी फूड खाओगे, तब आपके शरीर में रेड ब्लड साइकिल्स यानी रेड ब्लड सेल तैयार करने के लिए जो पर्याप्त चीज है, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पहुंच रहा है, जिससे आपके शरीर में फ्रेश अच्छा हेल्दी एनर्जेटिक और एक जिंदा खून बनेगा, जिंदा खून बनेगा। लेकिन अगर हम क्लोरोफिल नहीं खा पाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल का मतलब क्या है, अगर शरीर नहीं ला पाता है तो वो बोन मैरो से किडनी को काम करवाएगा, किडनी से लीवर को काम करवाएगा, लीवर से स्प्लीन को ज्यादा काम करवाएगा, और इस सारे को सर्कुलेट करने के लिए हृदय को भी ज्यादा लोड देगा, है ना, सारी एंजाइम्स को भी लोड जाएगा, जिसकी वजह से पूरा शरीर गड़बड़ हो जाता है। आपको अगर ताकत आपका 8 घंटा काम करने का है और आपको किसी ने बोला आज 18 घंटा काम करना पड़ेगा, तब जाके घर जाओ, आप 1 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4th दिन बोलोगे ये मेरा रिजाइन ले, लेकिन 5वें दिन मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। क्यों, क्योंकि आपकी क्षमता से अधिक आप काम कर रहे हो। क्या होगा उस शरीर का, जब वो अपनी क्षमता से अधिक लीवर पे लोड दे रहा है, किडनी पे, बोन मैरो पे। आजकल 12-12 साल के लड़कों का बोन मैरो कैंसर हो रहा है साहब, क्या उम्र है उसकी, 12 साल, क्या देखा उसने जीवन में, कुछ नहीं, लेकिन मैगी नूडल कुरकुरे फुरकुरे आइसक्रीम पिज्जा बर्गर चाइनीज, ये आदतें हमारे हिंदुस्तान के लोगों की बन जाएगी तो वो 12 साल नहीं 10 साल का भी लड़का बोन मैरो के अंदर देखेंगे, उसको हरा खाना ही मालूम नहीं है। क्या होगा उस पीढ़ी का आने वाले समय में। तो आप अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखिए, अपना खुद का भी रखिए। तो हमारे लिए ग्रीन थ्योरी जरूर है, तो क्लोरोफिल का मेन इंग्रेडिएंट जरूर है। तो दुनिया का सबसे अच्छा सोर्स कहाँ पे है, वो है हमारा स्पाइरुलिना। और वहां पे सवाल आपके लिए आता है, आप जिंदा खून चाहते हो या मरा हुआ खून चाहते हो या रिसाइकल ब्लड चाहते हो। जो रिसाइकल होता है, जो पुनर्निर्मित किया जाता है, जो शरीर खुद बनाता है, और जो आपके शरीर में अच्छा फ्रेश ब्लड आ जाता है, तो आपके शरीर में कौन सा खून होना चाहिए, फ्रेश ब्लड होना चाहिए या रिसाइकल ब्लड होना चाहिए। जिंदा खून चाहिए तो क्या बोलेगा, और अच्छा फ्रेश ब्लड ही चाहिए। कब चाहिए, हर समय चाहिए, ज्यादा मात्रा में डेली जो खाना है वो खाओ भैया, लेकिन साथ में स्पिरुलिना जरूर खाओ। ये हमारा मेन चीज आता है ग्रीन थ्योरी। व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस। इसका मतलब क्या है, जो चीज आपके पेट के लिए अच्छी है वही चीज आपके दिखने में और आपके सौंदर्य को भी 4 गुना बढ़ा सकती है। इसको मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा। जैसे कुछ कहावतें, पुरानी कहावतें, तूप खाने से रूप आ जाता है। क्या मतलब है इसका, मतलब जितना ज्यादा आप घी, तूप पता है कि नहीं, मतलब हिंदी मध्ये आमच्या मराठी मध्ये म्हणतात तूप खाल्याने रूप येतो, तूप खाने से रूप आता है, तूप यानी घी। तो ये और एक कहावत है कि हल्दी, हल्दी जो बोलते हैं ना हल्दी, मतलब हमारे मराठी में कहावत, मराठी में तो मेरा मराठी आदमी हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको फिर आपको इवेल्युएट करना आपकी हिंदी में इसको क्या कहावत है। तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं जब लड़की को ब्याह करना है तो उसको बोलते हैं पी हलद और हो गोरी, मतलब हलद पी और गोरी हो जा, पी हलद और हो गोरी। अरे अंदर जब हलद जाएगा तो बाहर से निखार आ जाएगा हल्दी। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अंदर जाएगा जो आपके शरीर को अच्छा रख सकता है वो आपके स्किन को भी अच्छा रखेगा, और जो स्किन को अच्छा रखता है वो आपके फेस और आपके सौंदर्य तक भी और 4 गुना बढ़ा देगा।
तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो आपकी पेट की सेहत को अच्छा रख सकता है वो आपकी स्किन की सेहत को भी अच्छा रख सकता है। तो मतलब क्या है, ये हमारा प्रॉपर वेलनेस बन जाता है। एक्सटर्नल ब्यूटी भी चाहिए और इंटरनल ब्यूटी भी चाहिए। पार्लर में जाते हो जरूर जाओ, लेकिन इंटरनल ब्यूटी का ध्यान रखना चाहते हो तो जरूर स्पिरुलिना खाओ। अंदर से सुंदरता चाहते हो, आपको गैनोडर्मा स्पिरुलिना ये सारी प्रोडक्ट जरूर खाने चाहिए। पार्लर वाली लेडीज के पास जरूर जाके बैठना, तरीके से समझाना। आपके पास अगर लोग सुंदर दिखने लगेंगे तो वो आपके पास और ज्यादा मल्टीप्लाई होते जाएंगे। इसके लिए आप इंटरनल ब्यूटी का भी ध्यान रखिए। इंटरनल ब्यूटी यानी इंटरनल ब्यूटी अप्रोच आपके महिलाओं का, यानी आपके कलीग्स, आपके पास जो भी लोग आते हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनको आप ये बात जरूर बताइए, मेरे पास थेरेपी लेते हो लेकिन घर जाके ये स्पिरुलिना और यही चाय पीना शुरू करो, ब्लैक टी और गैनोडर्मा टी लेना, ऐसा बोलो सीधा गैनोडर्मा टी लेना, तभी आप अंदर की सुंदरता बाहर ले आ सकते हैं, उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आप इस तरह से के पेश करोगे। और एक चीज इसके अंदर आती है जो पार्लर्स में बताया जाता है, जो चीज पेट की सेहत को अच्छा रख सकता है वही चीज स्किन की सेहत को भी अच्छा रखता है। ऐसा भी बोलते हैं ना, हेल्थ हेल्थ इज सेल डिप, स्वास्थ्य जो होता है वो सेल की डिप से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से ब्यूटी इज द स्किन डिप। तो हमारे स्किन को अच्छा चीज देना, तो इसमें क्या आता है, जब भी आप कुछ फेशियल लगा रहे हो या ब्लीच कर रहे हो या फिर कुछ स्क्रबर लगा रहे हो या मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, क्यों ना हम डीएक्सएन के उत्पादों को इस्तेमाल करें। अगर आपके पास बॉडी लोशन है, गैनोडर्मा है, स्पाइरुलिना है, सारी प्रोडक्ट है, तो अलग अलग चीजों में उसको मिक्स करके आप चेहरे पे अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग नुस्खा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, रोशन आरा मैडम है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्यूटी अप्रोच को लेकर जाती है, उनके प्रेजेंटेशन जरूर देखना। उसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी बताया कि ज्ञानोजी साबुन को कैसे एग्जैक्टली एक ब्यूटिशियननी और अच्छे ब्यूटी फेस पैक के लिए अप्लाई करना है। कॉफी को कैसे अप्लाई करें, कॉफी फिलीपींस में कुछ लोग हैं जो कॉफी के कुछ ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं उसको बोलते हैं स्विमिंग टैंक, यानी टब बोल सकते, टैंक नहीं बोल सकता, टब, और उसके अंदर बात करते हैं, कॉफी बात बोलते हैं उसको, यानी स्किन के लिए कॉफी का लगाना, ये भी सेहत के लिए आ रहे, स्किन को ब्यूटी या तेज को अच्छा रखने के लिए। तो आप जब भी बात करो तो स्किन का स्क्रबर के लिए, स्किन के यानी फेस को स्क्रब करने के लिए आप कॉफी को 3-in-1 को यूज कर सकते हैं। बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, यूट्यूब में जरूर चले जाओ, आपको उसके ऊपर आपको ज्यादा मिलेगा। 7 ग्रुप ऑफ कंज्यूमर इसके अंदर है, जिसके अंदर है यहाँ पे इन्फेंट्स, मतलब छोटे बच्चों से लेके, और एक बात मैं जरूर बता दूं, वोम टू टूम जरूर बोलना। मतलब क्या है, गैनोडर्मा किसी भी उम्र में खा सकते हैं। ये हमारा जो डीएक्सएन के उत्पाद है ना, वो इतने हेल्दी और इतने ऑर्गेनिक और इतने सुरक्षित है कि एक दिन का बच्चा से लेके 100 साल का बुजुर्ग भी खा सकता है। यस, यही चीज डीएक्सएन को और मजबूत बना सकती है और चैलेंजिंग बना सकती है और पावरफुल बना सकती है। यही पे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, वो बोलती है प्रेग्नेंट लेडी को मत दो, 6-7 साल 12 साल तक मत खिलाओ, राइट, ऐसी चीजें वहां पे लेबल के ऊपर लिखी होती। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं दातो डॉक्टर लीम सिंह जिनका, उनके नॉलेज का और उनके विचारों का, उन्होंने एक महिला प्रेग्नेंट लेडी का भी ख्याल रखा है, एक इन्फेंट्स यानी हमारे 1-2-3-4 साल के लड़कों का भी ख्याल रखा है, टीनएजर्स यानी अभी वो तो लड़का होगा या अच्छी लड़की बनेगी, एक औरत बनेगी, एक अच्छा पुरुष बनेगा, तो वहां पे जो एंजाइम का चेंजेस होगा, हार्मोन्स का जो चेंजेस होने वाला है, वहां पे जो परिवर्तन आएगा उनके जीवन में, वहां पे हमें सपोर्ट देना चाहिए। सीनियर सिटीजन, वहां पे एक ऐसा उम्र आ जाता है जब उनके शरीर में बीमारी आने का चांसेस हो जाता है, वहां पे एक अच्छा सपोर्ट डीएक्सएन ने दिया है। तो देखिए, प्रेग्नेंट लेडी, इन्फेंट, स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल में चले जाते हैं तो कोई भी इन्फेक्शन घर में लेकर आ सकते हैं, और ज्यादातर बच्चे ही अभी हम देखते ना, हम तो ज्यादातर एक तो जॉब या घर करते हैं, या महिलाएं जो हाउसवाइफ होती है वो पूरी तरह से घर में ही लॉकडाउन है, लेकिन हमारा स्कूल का बच्चा जब स्कूल में जाता है तो 100 घरों में घूम कर आता है, तो वो इन्फेक्शन लेकर आ सकता है। हमें उसको मजबूत बनाना चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन को सील करना चाहिए, और उसके शरीर के अंदर वायरस इंफेक्ट ना करे उसके लिए जरूर उसको खिलाना चाहिए। अब आप इसके ऊपर ज्यादा बात कर सकते हो और आप सामने वाला उसको वेलकम ही करेगा। मैरिड कपल्स, कई सारे हमने मैरिड कपल्स ऐसे देखे, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो रहा है, गिर रहा है, या फिर उनका सेक्सुअल लाइफ अच्छा नहीं है, तो वहां पे मैरिड कपल्स को जरूर दोनों को खाना चाहिए। दोनों को जवान रखेगा, दोनों को हेल्दी रखेगा, दोनों का स्टैमिना मजबूत रखेगा, दोनों को हैप्पी हेल्दी सुंदर और खुशहाल रखने में मदद करता है। और लास्ट में आता है बीमार अस्वस्थ लोग जो स्वस्थ रहना चाहते हैं और जल्दी स्वस्थता से और वेलनेस और बीमारी से बाहर भी आना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छे उत्पाद डीएक्सएन ने बनाए हैं। तो डीएक्सएन कनेक्ट करता है एक दिन का बच्चा से लेके 100 साल का बुजुर्ग, स्वस्थ भी हो या अस्वस्थ भी हो, सभी लोगों को मजबूत करता है। डीएक्सएन प्रोडक्ट इज अवर नेचुरल है,
नेचुरल ऑर्गेनिक वर्ड इसके अंदर बहुत किफायती है। मैं नेचुरल से अच्छा और बताऊंगा आपको, नेचुरल के साथ जोड़ दो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इसलिए बोलना है हमें कि आने वाले समय में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब शुरू हो चुका, ऑलरेडी लोग बोल रहे कि मुझे ऑर्गेनिक चाय चाहिए, मुझे ऑर्गेनिक वाली ग्रीन टी चाहिए। ऐसे लोग खुद बोलते हैं मुझे ऑर्गेनिक वाला शैम्पू चाहिए। कुछ लोग अभी फार्मर है, खेत में गांव खेड़ा में लेवल थ्री में जाओ, देहात में चले जाओ, वहां पे लोग बोलते हैं मुझे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको आपके प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक पेश करना चाहिए ताकि लोगों को पूरी तरह से हम डीएक्सएन को अलग तरीके से पेश करें और हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट डॉक्टर लीम सियोजुन को फिर से धन्यवाद दे सकते हैं, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास लेकर आए हैं। और वेलनेस, जब भी बात करें दवाइयां बीमारियां बात करने से अच्छा है वेलबींग। जो जो मैंने लाइनें बोली थी आप रिपीट रिपीट सुनिए, आप अच्छे तरह से बात कर सकते हो। वेलनेस वेलबींग यूनिक काइंड्स मतलब क्या है, यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक हमेशा रहना। यूनिक का मतलब है जब भी पेस्ट के बारे में बात करोगे मैं आपको हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, पेस्ट की बातें तुम मुंह से मत करो, पेस्ट को पानी में घोलो, मिक्स करो और पीने को बताओ, मैं खुद पीऊंगा, या फिर माउथ फ्रेशनर बोल दो इसको सीधा, अपने मुंह में पहला थोड़ा सा खाओ और सामने वालों को खिलाओ। और एक सवाल पूछो कि जिंदगी में पहली बार या फिर आज तक आपने कभी पेस्ट खाया था क्या, या फिर आज तक आपने कभी पेस्ट को पानी में डालकर पीकर देखा था क्या, तो वो बना देता है अपने प्रोडक्ट को यूनिक। ऐसी चीजें जरूर बोलिए। सर पार्टिसिप कॉपी मत बोलना, ये बोलना कि दुनिया का जो सबसे बेहतरीन मशरूम है जिसको दुनिया का सबसे रिचेस्ट स्टार बोलते हैं, यानी 70 लाख रुपए पर केजी वाला मशरूम, उसका प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है। तो मैंने कॉर्डिसेप बोला तो वो मार्केटिंग हो गया। तो मैंने क्या बोला, अभी एथलेटिक्स जो चीज खाते थे, एथलेटिक्स का पावर कैसा रहता है, ऐसा सवाल पूछो कि वो एथलेटिक्स ओलंपिक के लोगों में एनर्जी अच्छी रहती है। तो कुछ रिसर्च से पता चला है वो जो कुछ एथलेटिक्स और ओलंपिक में जाने वाले लोग हैं वो कॉर्डिसेप का सेवन करते हैं, और वही कॉर्डिसेप जो 70 लाख रुपए पर केजी आता है वो मेरे पास आ चुका है। इस तरह से बात करो ना तो सामने वाला कभी भी प्राइस के ऊपर जाएगा नहीं। जनरमा को भी बात करेंगे तो 2.5 लाख पर केजी मशरूम, ये भी बोल सकते हैं कि लाल मशरूम खाकर हमारा मोदी भी लाल होते जा रहा है, और उसके लिए मलेशिया और ताइवान से मशरूम लाया जाता है, वो भी दिन का कितना खा रहे हैं, तो उसका भी एक एक मशरूम का कॉस्ट 3 से 4 लाख रुपए का है किलो किलो के लिए। तो मेरे पास एक गैनोडर्मा आ चुका है, तो गैनोडर्मा बोलने से मार्केटिंग लगेगा, लेकिन जरूर बोलना दुनिया की कैसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर में रोग आने से रोक सकती है, और अभी शरीर का पूरा आइडेंटिफायर है, स्कैनिंग है। आइडेंटिफायर का आपको डिटेल में जाना है, सेलिंग स्किल का एक टॉपिक है, उसको बहुत अच्छी तरह से मैंने इवैल्यूएट किया है, किस तरह से इस तरह से कस्टमर के माइंड को प्रोडक्ट को पहुंचाना, ज्यादा डिटेल गया हुआ, अभी उसके अंदर जाओगे तो शायद ये रिपीट करेगा। तो क्वालिटी को भी हमें समझना है और उसके प्राइस टैग को भी हमें पकड़ना है। तो 2.5 लाख रुपए पर केजी का मशरूम मेरे हाथ में है, ऐसा बोलेंगे तो सामने वाला सुनने पे मजबूर हो जाएगा कि वो बोलेगा माय गॉड, लेकिन आपके लिए सिर्फ 20 रुपए है क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, मतलब रोजमर्रा की जरूरत है। आप इसको वेलनेस से कनेक्ट करेंगे तो आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का द्वार खोल रहे हो। ये रिलायबल है, अफोर्डेबल है, ट्रेंड सेटर है और बिजनेस ओरिएंटेड है। बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज आवर फ्यूचर। मतलब क्या है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड दैट द साइज ऑफ ग्लोबल मार्केट ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स 2000 में 80 बिलियन था, 2008 में 200 बिलियन हो चुका है, और 2010 में ये 1 ट्रिलियन था, और 2020 में ये 5 ट्रिलियन हो चुका है। बहुत स्टडी करता हूँ इसके ऊपर, मैं रिपीट करता हूँ, देखो 80 बिलियन से देखिए कहाँ पे आ गए, 200 बिलियन में आ गए, और 2010 में 1 ट्रिलियन था, और 2020 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया। वेलनेस इंडस्ट्री जो आज बातें की ना वो वेलनेस थी, और क्या बताया जा रहा है फ्यूचर, 2050 तक ये जो 5 ट्रिलियन आज हो रहा है वो 50 ट्रिलियन हो जाएगा। सर ट्रिलियन का मतलब निकाल के देखिए गूगल में डालकर, 1 ट्रिलियन का कितना जीरो आता है सामने, तब आंखें खुल जाएगी क्या इंडस्ट्री है। मैं कोई 5 करोड़ की बात नहीं कर रहा, 5 करोड़ से 50 करोड़ हो जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा, 5 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन की तरफ जाने वाली इंडस्ट्री का द्वार खोल रहे हो। तो आपको इसका मास्टर बने रहिए, वेलनेस मास्टर बनिए, तो आने वाले समय के करोड़पति बन जाओगे और आपको कभी भी पैसे की चिंता नहीं होगी, दुनिया का बेहतरीन इंसान बन के रहोगे और सभी लोगों की मदद कर सकते हैं। इस पैनडामिक सिचुएशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक मैंने तो प्रेजेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया है आज का, और एग्जैक्टली मैं सेम टू सेम नहीं लेना चाहता था, मैं थोड़ा सा डिटेल में गया हूं। और एक चीज और बताना चाहता हूं, इससे डिटेल और नहीं, यहां पे मेरा एक्चुअली प्रेजेंटेशन खत्म होता है, और ज्यादा डिटेल में जाना है तो जरूर वो सेलिंग स्किल का
जो टॉपिक है उसके अंदर जाकर देखिए, कुछ प्रोडक्ट को यहाँ पे देखिए, कॉपी को कभी भी कॉपी बोलने से अच्छा वन फॉर वन पूछना, एक से एक कितना होता है, बोलेगा दो, नहीं सर एक से एक होता है 11, वो क्या है वो वहां से अच्छे तरीके समझे, वो भी हमारे मॉड्यूल्स के अंदर है, वन प्लस वन इज यहाँ पे आता है। कॉर्डिसेप के बारे में जब भी बात करेंगे, यारसा गुम्बा सर्च करने को बोलो गूगल में, तो अलग अलग चीजें आपकी इवेल्यूएट हो जाती है। कोकोज एक अच्छा बेस्ट टॉनिक है डीएक्सएन का, फिर लिंगजी 3-in-1 कॉफी बढ़िया से प्रोडक्ट है, लिंगजी 3-in-1 खाओ खिलाओ बताओ पैसा कमाओ, 2-in-1 ब्लैक कॉफी खाओ खिलाओ बताओ पैसा कमाओ, मोरंजी जितना खाओगे उतना खिलाओगे, कितना बड़ा प्रोडक्ट मार्केट और कितना बड़ा सेक्टर सामने है, कितने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट हमारे पास है यार, जिसको आपके डेमो दिखाना जरूरी है, सिर्फ बातें मत करिए, प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन पे जाइए, लोगों को बोलिए आज मेरे घर में 70 लाख किलो का मशरूम का मैं कॉफी बनाने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी आ जाओ, हम दोनों मिलकर पियेंगे, तो आएगा कि नहीं, दौड़ता हुआ चला आएगा। अरे पार्टी करने चिकन खाने पड़े कितने सारे दौड़ते हैं, उसको बोलना मेरे घर में हम एक पार्टी कर रहे हैं और वहां पे मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, 70 लाख किलो वाला मशरूम का मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, तो वो भी जाग जाएगा, अरे इसका बिजनेस मुझे भी करना चाहिए, एक आइडियाज बता रहा हूँ, इस तरह से प्रमोट करिए। मेरे घर में एक ऐसा टूथपेस्ट आ चुका है जो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम के काम करता है, तो क्यों ना तुम जानकारी लेने के लिए आ जाओ। तो अभी दुनिया मार्केट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, आपको प्रोडक्ट का मास्टर बन जाना चाहिए, पोजीशनिंग अच्छी तरीके से करिए, अच्छी तरह से प्रमोट करिए, और तभी जाके आप डीएक्सएन को अच्छी तरीके से बहुत बड़ा टीम और रिक्रूटमेंट के साथ बहुत बड़े लोगों को मदद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो एक मेन जिम्मेदारी हमारा था कि दिस इज नॉट आवर बिजनेस प्रॉब्लम, दिस इज आवर पीपल प्रॉब्लम, तो हमें पीपल प्रॉब्लम को समझना है, पीपल की समस्याओं को ठीक करना है, अंदर वाली समस्या भी ठीक कर दीजिए और बाहर वाली समस्या भी ठीक कर दीजिए। मतलब क्या है, अंदर आपका जितना भी अभी टीम बना है उसको और मजबूत बनाइए, और बाहर की समस्या मतलब क्या है, लोगों की समस्या ढूंढिए और वहां पे प्रोडक्शन प्रोडक्शन के जितने भी मैंने आज तरीके आपको बताए होंगे उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना शुरू करोगे, तो आप एक वेलनेस प्रमोटर बनकर एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर बन जाओगे और आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर करिए, दुनिया जो करे उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करिए, आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आप जरूर जीत जाओगे और आने वाले समय में दुनिया याद रखेगी ऐसा आप काम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन रोक कर ये सुजीत नायर सर